और बोलो फटाफट से गुड आफ्टरनून सर जल्दी से बोलो गुड आफ्टरनून पहला दिन है शांति बनाए रखना सारी चीज़ें क्लियर करूंगा ठीक है लाइन में आना है ना हल्ला बुल्ला मत मचाना ठीक है तो सबसे पहले बोलो गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून एवरी वन गुड आफ्टरनून जय ऋषि आकाश अभिषेक कुणाल अभिषेक राजडा नमन क्या बात है वंशिका अंशुमन बहुत बढ़िया गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आकाश मेरा नाम कभी स्टूडेंट है बताओ भाई गुड आफ्टरनून अर्नव नकुल विशाखा तनिष्का हर्ष आदित्य रोशनी चलो बहुत बढ़िया इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं भाई साहब ठीक है चलो आपन शुरुआत करें आज के सेशन की फिर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून एवरी वन अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है आज आम, ऐसा लग रहा है यार मेरे को बहुत मज़ा आने वाला तुम्हारे साथ ठीक है क्या तुम भी मज़ा लेने तैयार हो सर मज़ा ठीक है ऐसा पढ़ाना जैसे हमारी अकाउंट्स में नैया पार लग जाए अरे तुम नैया पार की बात करो तुमको मैं कहां से कहां पहुंचा दूंगा है कहां 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 चलो।, हाँ। चलो ये मजा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं बहुत बढ़िया चलो अब अपन शुरुआत करें ठीक है इंटरएक्टिव रहना भाई जब मैं सवाल पूछू जवाब देना और जब लिखना होगा मैं बोल दूंगा ठीक है जो चीज नहीं बोलू वो मत लिखना चालू करने के पहले भाई एक बढ़िया नोटबुक पेन वगैरह लेकर बैठना मैं कोई बाबा नहीं हूँ जो प्रवचन दोगे और तुम सुनोगे हाँ, सर रह, रह। सर बढ़िया बोल रहे बोलते रहो ये नहीं है भाई बुक नोटबुक पेन वगैरह लेकर बैठना ठीक है तुम्हारे पास मेरी वाली किताब पहुंचे नहीं पहुंचे इट इज ओके वो सबके मैं गाइडेंस दूंगा और फिर अपन कंटेंट शुरू करेंगे ठीक है चलो सबसे पहले इंटर एडवांस अकाउंट्स पेपर वन ग्रुप वन है ना तो काफी क्रुशियल हो जाता है तुम्हारे लिए पेपर में स्कोर करना बिकॉज तुम्हारे लाइफ के इंटर का जो पहला पेपर है वो यही होने वाला है और ये पेपर टोन सेट करेगा तुम्हारे लिए अगर ये पेपर तुमने अच्छे से किया तो तुम्हारे मजा आ जाएंगे और मैं मैं अच्छे से करवा दूंगा बस तुमको जैसे मैं वैसे करना है Simple, है सिंपल ना ना वो बोलते हैं एक पिक्चर थी जहां जहां वो बोलता है जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा तो तुमको भी यही करना है क्लियर परफेक्ट अब लेके प्रभु का नाम शुरू करते सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स की जर्नी ठीक है पेपर वन ग्रुप वन आग लगा देनी इस पेपर के अंदर ठीक है चलो सो गुड आफ्टरनून एवरी वन वंस अगेन मेरा नाम है सी आकाश कंदोई ठीक है तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं मेरे बारे में एक या दो मिनट चर्चा करूंगा बिकॉज हम मेरे बारे में नहीं हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने आए हैं बट फिर भी तुमको लगता है सर थोड़ा बताओ ना अपने वाले में सर तो मैं बता देता हूं मेरे बारे में ठीक है माय नेम इज सी आकाश कंदोई आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट मैंने अपने सी के ऑल लेवल्स पहले अटैम्प में क्लियर किए थे है ना होशियारी नहीं मार रहा बता रहा हूँ सिर्फ ठीक है तो मैंने अपने सीए के सारे अटेम्प्ट सारे लेवल्स एक अटेम्प्ट में क्लियर किए थे मैं सीए कब पास आउट हुआ सर आई क्लियर सीए इन 2017 एंड सिंस देम आई एम इनटू टीचिंग मतलब मैंने सीए बनते ही टीचिंग शुरू कर दी थी ठीक है तो अपना एक्सपीरियंस बहुत है अच्छा सर आपने जब शुरुआत की तो आपने क्या पढ़ाना शुरू किया आपको मैं रास्ट के बाद बताऊँ जब मैंने शुरुआत की ना तो मैंने ऑफलाइन टीचिंग से शुरुआत की थी ठीक है काफी लोग के बाद पता नहीं तुमको बता रहा हूँ ठीक है मैनी पीपल नो मी एज अ प्रोफेसर ऑफ एफ आर ठीक है बट जब मैंने ऑफलाइन टीचिंग शुरुआत की थी ना तो मैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी ट्वेंटी तक मैं पता है क्या पढ़ाता था एडवांस अकाउंट्स मैंने बीच में ऑफकोर्स ट्वेंटी नाइनटीन में एफ आर शुरू किया एफ आर क्या है सर वो फिनेशियल रिपोर्टिंग तुम्हारे सीए फाइनल का अकाउंट्स को एफ आर बोलते फिनेशियल रिपोर्टिंग बराबर तो सी ए फाइनल के अकाउंट्स को बोलते हैं फिनेशियल रिपोर्टिंग सीए इंटर में कहते हैं एडवान्ड अकाउंटिंग तो मैंने वो ट्वेंटी नाइनटीन में कभी एफ आर शुरू किया था बट पहले मैं चार साल एडवांस अकाउंट्स ही पढ़ाया करता था ऑफलाइन तो सर आपने बंद क्यों कर दिया क्योंकि वो एक बीमारी थी ना जो एकदम ऐसे बोली सरप्राइज वो आ गई तुम्हारी जिंदगी में कोविड तो कोविड में सारे ऑफलाइन चीजें बंद हो गई थी तो मेरा भी वहां एडवांस अकाउंट्स का करियर पे आ गया था फिर जब मैंने वापस टीचिंग रिज्यूम की मैंने ऑनलाइन में शुरुआत की तो जब मैं ऑनलाइन में आया तो मुझे किसी ने इसमें अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं मुझे बोला कि आप पढ़ाओगे तो सिर्फ एफआर पढ़ाना ठीक है मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिलनी ही बंद हो गई थी फिर क्यों मिलनी बंद हो गई क्योंकि मैं ऑफलाइन टीचर था और मुझे मेरा पूरा फोकस पे डालना पड़ेगा बिकॉज होता है ना जितना अपन एसोसिएट हो रहे वहां वो वैकेंसी भी होनी चाहिए इसकी वैकेंसी नहीं थी भाई अब मैं क्या करता तो मैंने बोला कोई बात नहीं हम पूरा फोकस सी फाइनल पर डालेंगे अब मौका भी है दस्तूर भी है भगवान ने चाह वापस हमको मौका मिल गया तो उतर पड़े ये मेरा पहला प्यार है भाई पहले प्यार के कोई भूलता नहीं है है ना तो <laughs> मज़ा आ जाएगा भाई साहब ठीक है ठीक है तो ये मेरे बारे में था तो आई एम टू टीचिंग तुम इंटर में क्योंकि मैं ऑफलाइन में ही था तो शायद ना सुनो बहुत लोगों से फाइनल में अगर आप किसी से पूछोगे तो रिपोर्ट अच्छी ही मिलेगी ठीक है तो फाइनल में अच्छा पढ़ाता हूँ तो इंटर कैसा कैसा पढ़ाऊंगा है ना मजा आ जाएगा तुमको ठीक है तो देखो मैं जो भी है ऑनेस्टली बोलूंगा मैं कुछ पाऊंगा नहीं तुमसे जो भी है सच तुमको बता दिया मैंने ठीक है ठीक है सर आप आदमी तो बढ़िया लग रहे हो सर सच बोल देते हो आप सच ही बोलते हैं अपन है ना चलो यही है असली गैंगस्टर ए, गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं भाई मैं टीचर ही ठीक हूँ ठीक है हाँ ए, फाइनल में चुम्मा टीचर है एफ आर के हाँ ये कर लो तुम पहले ये कर लो हाँ चलो आ जाओ अब समझ गया तुमको मेरे बारे में ठीक है अब सबसे पहली बात अब आ जाते हैं अपन कंटेंट पर फोकस करने के लिए ठीक है इसकी बात करते हैं ठीक है थीके? किसकी बात करेंगे अपन टारगेट मार्क्स की बताओ कितना टारगेट है तुम्हारा एडवांस अकाउंट्स में फटाफट से मेरे को बताओ क्या टारगेट लेके चलो एडवांस अकाउंट्स में जल्दी से बताओ जल्दी 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 से बताओ क्या टारगेट है एकदम ईमानदारी से दिल पर आकर के कहना कि सर मेरा ये टारगेट है किसी ने कहा नाइनटी किसी ने कहा हंड्रेड क्या बात है वन ट्वेंटी प्लस एट्टी नाइनटी एट्टी प्लस सेवेंटी है ना चलो इतने प्यारे प्यारे टारगेट है तुम्हारे और 95 और 80 100 80 प्लस 60 प्लस 70 प्लस अच्छा सुनना <coughs> 40 कौन 40 वाला कौन है भाई मैम रो दूंगा 40 मत बोलना भाई सुनो मेरी बात आज के बाद तुमसे कोई पूछे ना टारगेट कितना है तो बेर मिनिमम पता है क्या बोलना बेर मिनिमम बता रहा हूं बेर मिनिमम एट्टी से नाइन्टी तक अपना टारगेट होना चाहिए बेर मिनिमम मतलब इस रेंज में अपने को बेर मिनिमम फॉल करना है कोई तुमसे पूछो और आज के बाद तुमने सिक्सटी फिफ्टी सेवेंटी ये कहा ना तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो फिर क्या बात करो सत्यमास आते भी है क्या हंड्रेड परसेंट आते भाई बराबर और जब मैं कह रहा हूं ना जब तुम टारगेट अच्छा रखोगे ना तो तुम प्रिपरेशन भी बाई डिफॉल्ट वैसी करने लग जाओगे जब तुम्हारा टारगेट ही छोटा है ना तो सोच छोटी हो जाएगी फिर मेहनत भी छोटी हो जाएगी तो अगर टारगेट अच्छा रखा है तो फिर मेहनत भी अच्छी करोगे तुम तो प्लीज मेरी बात मानना आज के बाद कोई टारगेट पूछे तो सिक्सटी सेवेंटी कोई नहीं बोलेगा हम लिखेंगे एट्टी से नाइन्टी प्लस ठीक है एट्टी से नाइन्टी के रेंज में उसके प्लस हम उसके नीचे सोचने वाले नहीं है है ना हमारी सोच बड़ी है भाई और अगर तुमको मैं ये भी बोलूंगा तुमसे कि तुम्हारा अटेम्प्ट जब भी है प्लीज एस्पायर फॉर अ रैंक देर इज नो हार्म इन एस्पायरिंग फॉर अ रैंक अबे रैंक के लिए एस्पायर करने में क्या लगता है भाई एस्पायर तो कर लो अरे

कर दिया सर पिंकी प्रॉमिस आपको आओ देखो तुम्हारे लिए भाई देवे मैं बता दूं मैं इतना सच दच के इतनी अपनी खुद की शादी में इतना सच के नहीं गया था मैं जितना तुम्हारे लिए सच के आया हूँ ठीक है ये सिर्फ पहले दिन ही सचता हूँ मैं बाद में मैं नॉर्मल शर्ट वगैरह में आ जाता हूँ ठीक है तुमको लगना चाहिए ना भाई ऐसा आया है कोई तो मैं ऐसा तुमको दिखा दिया बस बड़े बड़े यूज़ नहीं होता रहे तो यूज़ कर लिया मैंने उसको ठीक है काफ़ी लोग बोलेंगे सर काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे हो मैं हूँ प्रोफेशनली ठीक है एनीवेज़ चलो आ जाओ ओके अब आगे बढ़ते हैं अब अपन बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में ठीक है अगर तुमको कुछ क्वेरी है ना मैं तुमको मौका दूंगा पूछने का तुम टेंशन मत लेना ठीक है अगला क्वेरी है बुक्स के रिगार्डिंग सर हमको बुक्स में क्या क्या मिलेगा ठीक है तो मैं बता दू तुमको है ना दो वॉल्यूम्स मिलेगी एंड दैट विल बी ओनली क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक की दो वॉल्यूम ये लिखना नहीं है सुन लो जब लिखना होगा बता दूंगा ठीक है सिर्फ अच्छा अपने नोटबुक के ऊपर से टारगेट मार्क जरूर लिखने का मेरा टारगेट इतना है ठीक है टारगेट लिख लेना नोटबुक के फर्स्ट पेज के टॉप पे ठीक है ओके तो क्वेश्चन बैंक में आएगी आपको वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू सर सिर्फ क्वेश्चन बैंक बैंक मिलेगी हाँ, सिर्फ मिलेगी सिर्फ क्वेश्चन ही सर हमको तो बुक भी चाहिए आप तो अच्छे बच्चे नहीं हो सर कंसेप्ट बुक नहीं देते हो आप आप अच्छे बच्चे नहीं हो सर है ना अरे भाई मैं तुमको कंसेप्ट बुक दू फिर मैं तुमको कंसेप्ट अलग से भी लिखाऊ तो इतना बड़ा बोझा बनेगा पहले दिन पे बोझा दिखने में अच्छा लगता है लास्ट डे पे अपने से पूछना रिवाइज करने में कितनी तकलीफ होती है तो मैं तुमको अलग से कंसेप्ट दू फिर अलग से लिखाऊ भी उससे अच्छा भाई सारे के सारे कंसेप्ट क्लास में लिख लेंगे ना हम क्लास नोट बना लेंगे इसके जिसमें मैं तुमको डिटेल में भी लिखा दूंगा और डिटेल में इस तरीके से लिखेंगे कवरेज भी पूरी हो जाए और समराइज भी बन जाए भाई बहुत साल से पढ़ा रहा हूं मैं टेंशन मत लेना तुम भरोसा रखना बस मेरे ऊपर समझ रहे हो अच्छा किसी ने कहा सर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इसलिए नहीं देते हो फालतू बातें मत करो तुम ठीक है क्या कैसी कैसी बातें करते हो तुम यार हाँ हो इंटर में बातें देखो कैसे लेवल की भाई मेरे को कौस कुछ नहीं है तुम ले लेना ठीक है दो रुपया तुमको जीपे कर दूंगा वापस ठीक है हाँ एनी समझ गए तुम तो सारे कंसेप्ट लिखेंगे देखो इतना सब भोजा बनाना अच्छी बात है बट उसको कंसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जिस दिन आप कंसाइज करना सीख जाओगे ना उस दिन आप एग्जाम में अच्छे तरीके से पास हो जाओगे मैं आपको सारी टिप्स एंड टिप्स बताऊंगा आप भरोसा रखना मेरे ऊपर ठीक है तो ये तुम्हारे पास या तो आ गई होगी या आने वाली होगी कोई दिक्कत नहीं है पहले दो तीन दिन अगर किताब नहीं आई तो भी चल जाएगा आपको ठीक है लेट हुआ तो भी चल जाएगा मैं कुछ चैप्टर्स के पीडीएफ भी डाल दूंगा कहां डालूंगा सब बताऊंगा तो जैसे मैंने बताया बुक्स ये मिलेगी नोट्स हम बनाएंगे क्लियर वाला पार्ट क्या बढ़िया बनाएंगे मजा आएगा तुमको और देखो तुम्हारी राइटिंग कितनी भी अच्छी गंदी हो खुद देखे राइटिंग में लिखा हुआ अलग ही समझता है ठीक है जब खुद लिखा होता है तो अपने को लगता है कि आपन ये पूरा चैप्टर बना रहे हैं और खुद लिख रहे तो ऐसा लगता है वाह एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो गई भाई ऐसा समझ आया हमको तो ध्यान रखना ठीक है उसके अलावा अब मेरे को बात करनी है आपसे गूगल ड्राइव के रिगार्डिंग ठीक है, चलो मैं इसकी कुछ बात कर लेता हूं एक सेकंड दे देना मेरे को बस जस्ट गिव मी लेट मी ओपन योर गूगल ड्राइव किधर है ये हमारा एडवांस अकाउंट तुमको दिखता है गूगल ड्राइव ठीक है तो इसमें ना बहुत सारे फोल्डर्स है ये गूगल ड्राइव किसको आएगा आया रहेगा लिंक जिसने भी एनरोल किया क्लास के लिए उसको गूगल ड्राइव का लिंक आ गया रहेगा ठीक है।, है जिसने एनरोल नहीं किया आप अगर आज यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप जाके एनरोल कर लेना तो आपको भी ड्राइव का लिंक आ जाएगा। पहला फोल्डर है, बुक्स है। आपके लिए तो बाई चांस किताब नहीं मिली तो टेंशन मत लेना ठीक है यहां से तुम डाउनलोड करके रख लेना पहली चीज ओके तो प्रिंट ले लो और जब तक किताब नहीं है तब तक यहां मार्किंग कर लेना ये पहला गूगल ड्राइव दिखा रहा हूं कि हम क्लास में ही नोट्स लिख के बनाएंगे तो सर कभी कभी होता है ना कि हमारा लिखना रह गया हमारा नेट लैग कर गया हम लिख नहीं पाए तो फिर हमको इसका पीडीएफ भी दे दो ना सर तो ये जो क्लास नोट्स में लिखाऊंगा ना इसका मैं पीडीएफ भी यहां डाल दूंगा क्लास नोट्स वाले सेक्शन में अभी तक तो मैंने कुछ डाला न, लिखा नहीं है तो आज जो लिखाऊंगा वो भी यहां डाल दूंगा क्लास नोट्स के अंदर सर इसका मतलब हम तो फिर क्लास में लिखेंगे ही नहीं हम तो सिर्फ सुनेंगे आपको सबसे बड़ी गलती यही करोगे मैं पता है बड़ा प्टिकल होता है अपलोड करने के लिए कि मैं अपलोड करूँ कि नहीं करूँ बट मुझे करना पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे लिख नहीं पाते क्लास में या थोड़ा स्लो है या अपने को लगता है कि कुछ मिसआउट होगा तो मुझे देना पड़ता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्लास में खुद नहीं लिखोगे देखो सिंपल से बात है आप ऐसा मान लो अपनी क्लास सौ दिन चलेगी सौ डेज है ना जितने दिन आप नहीं लिखोगे माइनस फाइव कर देना ठीक है तो अगर आपने पांच दिन नहीं लिखा तो माइनस पच्चीस एग्जाम में आपको मिलेंगे सिंपल हिसाब लेकर चलना लिखना है मतलब लिखना है ठीक है तो मुझे किसी बच्चे से ये भी नहीं सुनना है कि सर हमने लिखा नहीं आपने जो बताया चीटिंग मत करना भाई देखो तुम चीटिंग करोगे तो फिर तो चीटिंग कोई नहीं करेगा। बोलो सर बोलो पिंकी प्रॉमिस मतलब ओके सर पिंकी प्रॉमिस बहुत बढ़िया ये क्लियर है ठीक है गूगल ड्राइव दिखा रहा था मैं आपको बुक्स एंड क्यू एन ए जहां पीडीएफ मिलेगा इनिशियल पेजेस का क्लास नोट जिधर मैं जो लिखाऊंगा वो अपलोड करूंगा उसके बाद अगर आपको आज तो जैसे मैं यूट्यूब पे ले रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर कल से हम ऐप पे भी लेंगे यूट्यूब पे भी दो तीन दिन रहूंगा बट ऐप पे भी रहेगा कल तो ऐप वगैरह इंस्टॉल करने को नहीं आ रहा है तो इंस्ट्रक्शन वीडियो वगैरह रेफर कर लेना आप ठीक है इंस्ट्रक्शन वीडियो दिया हुआ है इसके अंदर कि कैसे इंस्टॉल करना है क्या करना है और आपको अगर फिर भी ना समझ आए तो मैं आपको है ना टेक्निकल टीम का एक नंबर दे दूं एक टेक्निकल टीम का आपको नंबर देता हूं मैं इधर आओ इधर आओ टेक्निकल टीम का नंबर दे रहा हूं अगर बाय चांस ऐप यूज करने को नहीं आ रहा है तो टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर लेना कांटेक्ट नंबर लिखना एट फाइव एट फाइव नाइन वन थ्री थ्री सिक्स टू टेक्निकल टीम का नंबर है कुछ भी ऐप में दिक्कत आई या कुछ भी दिक्कत आई तो आपको टेक्निकल टीम को कांटेक्ट करना है क्लियर है मेरे हीरो लोग पार्ट क्या ओ मेरे हीरो लोग क्लियर एकदम क्लियर है सर एट फाइव एट फाइव नाइन वन डबल थ्री सिक्स टू टेक्निकल टीम ठीक है टेक्निकल क्वेरीज के लिए मुझे मत बोलना इनको रीच आउट करना और पढ़ाई को लेकर जो क्वेरीज रहेगी इनको मत बोलना मुझे रीच आउट करना सर आपको कैसे रीच आउट करें बताऊंगा शांति रखो ये लिखा ठीक है सर तो ये हुआ उसके बाद सर हमारे बैच का कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बनेगा क्या बनेगा ये फोल्डर है टेलीग्राम लिंक एंड डाउट सपोर्ट मैं खोल नहीं रहा हूँ वरना बाहर वाले भी ज्वाइन कर जाएंगे बिकॉज पहला लेक्चर यूट्यूब पे है ना इसलिए तो इसके अंदर आप खोलोगे तो एक तो आपको अपने बैच का एक्सक्लूसिव ग्रुप का लिंक मिलेगा ठीक है वहां ज्वाइन हो जाना उसके अलावा सर अगर हमको आपको कुछ क्वेरी पूछनी है तो क्योंकि पढ़ाई को लेकर रहेगा तो हमको आपको डायरेक्ट पूछना है हमको ग्रुप में नहीं पूछना है तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी भी दे रखा है मैंने अगर आपको वन टू वन मेरे से क्वेरीज पूछनी है बिंदास पूछो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैं एक से दो दिन में रिप्लाई कर देता हूँ नॉर्मली एक दिन में कभी बहुत बिजी रहा तो एक से दो दिन लगता है बट मैं रिप्लाई करता हूं ठीक है तो मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी भी आपको मिलेगा उसके अंदर ठीक है वो आप खोलोगे तो आपको समझ जाएगा मैं अभी नहीं खोला हूँ बिकॉज फिर सब लोग ज्वाइन कर जाएंगे ना इसलिए क्लियर है वाला पार्ट बस आपके लिए गूगल ड्राइव पे इतना ही काम का और कुछ काम का नहीं है बाकी कुछ भी सर हमारे अटैप्थ से तो कुछ चेंजेस हुए तो अकाउंट्स में कोई चेंजेस नहीं होता है सिर्फ क्वेश्चन वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा आ गए वो आट पता है ना आपको इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है रिवीजन टेस्ट पेपर जिसको अपन आर बोलते हैं वो रिलीज करता है कभी कोई नए क्वेश्चन आए तो मैं आपको करा दूंगा आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है आपने क्लास ले ली ना अब जो भी आपके एग्जाम तक रेलिवेंट चीज है वो सारी कराना मेरी जिम्मेदारी है आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है बोलो क्लियर बोलो क्लियर की नहीं बोलो यस सर यस सर अच्छा तो ये मैंने आपको बुक्स नोट्स गूगल ड्राइवर के सब के बारे में बता दिया अब सर आपकी टीचिंग अप्रोच बताओ ना वैसे हम जब दो तीन चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको मेरी अप्रोच समझ जाएगी बट फिर भी मुझे बताना हुआ मैं कैसे पढ़ाता हूँ तो सुन लो पहले अपन कोई भी चीज को कंसेप्चुअली समझेंगे ठीक है वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दैट चैप्टर जैसे कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट के ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे मैं मेरे क्वेश्चन बैंक में सब कवर कर करवा रखा है ठीक है मेरे क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है है ना तो उसमें जितने भी क्वेश्चन अपन सारे सॉल्व करेंगे मेरे क्वेश्चन बैंक में मॉडल के सारे क्वेश्चन है रिविजन टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर पास्ट एग्जाम सारा कंपाइलेशन है मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है फिर तुम्हारे लिए बराबर तो जो है यही है तुम्हारे लिए तो उसके क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे अब पढ़ तो लिया क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए अब इतना सारा पढ़ने के बाद हमारा छोटा सा दिमाग कितना याद रख पाएगा तो उसके लिए हम रिवीजन भी करेंगे मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाते समय भी रिवाइज कराऊंगा जो पूरे दिन में पढ़ा उसको क्लास के एंड पे भी रिवाइज कराऊंगा और जब चैप्टर खत्म हो जाए फिर वापस से रिवाइज़ कराऊंगा मैं तुमको रिवाइज करा करा के थका दूंगा और तुम्हारा दिमाग बोलेगा अबे इतना रिवाइज करा दिया कि याद ही हो गया हाँ हो जाएगा तो अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा इसके ऊपर जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा क्लियर ठीक है सर उसके बाद टेस्ट सर टेस्ट लोगे क्या लेंगे ना भाई रेगुलर इंटरवल्स पर टेस्ट होगा जब भी, भी टेस्ट होने वाला होगा मैं तीन चार दिन पहले बता दूंगा टेस्ट है बराबर कौन से कौन से टॉपिक पे टेस्ट होगा बता दूंगा और टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा मैं क्लास में बता दूंगा अभी आप अपन चर्चा नहीं करेंगे बट मैं टेस्ट लूंगा कुछ चैप्टर वाइज भी लूंगा फुल सिलेबस भी लूंगा सब लूंगा मतलब और उसके अलग से कोई पैसा नहीं है भाई बराबर वो टेस्ट वगैरह होंगे वो करेक्शन कैसे होएगा आप पेपर कैसा मिले सब बताऊंगा ठीक है वो क्लास के विदिन बता दूंगा आपको बट टेस्ट होगा ठीक है ओके चलो आगे डाउट सॉल्विंग का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका ठीक है डाउट सॉल्विंग के रिगार्डिंग कैसे डाउट्स पूछोगे ग्रुप में भी पूछ सकते हो पर्सनली भी पूछ सकते हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्लियर एकदम क्लियर है सर चलो अब है ना मैं चाहता तो बहुत हूँ कि मैं डायरेक्टली शुरू कर दूँ सब्जेक्ट से कि एडवांस अकाउंट्स में क्या है कैसा है बट मुझे ना सबसे पहले आपका माइंड बिल्ड करना है मैं बता दूँ आपकी जो एज है ना मोस्टली आप सब इस एज में हो अठारह से पच्चीस की एज में ये जो एज होती है ना ये मेक और ब्रेक होती है किसी भी इंसान के लिए या तो ये एज में इंसान बन जाता है टूट जाता है और जब टूट जाता है ना इस एज में तो फिर उसको वापस अपना को रिकवर करने जोड़ने में बहुत समय लगता है तो आपकी एज बड़ी क्रूशियल है आपके लिए इस एज में ना मस्ती करो मजाक करो सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई से मस्ती मत करना अपने करियर से मस्ती मत करना बराबर हर चीज अपने अपने लिमिट में करना पढ़ाई भी जहां जरूरी है पढ़ाई करो जहां मस्ती चाहिए क्लास में भी मस्ती करवाऊंगा सब करेंगे मजे करेंगे लेकिन पढ़ाई की जगह पे पढ़ाई सेम चीज लाइफ में घर पे बैठे हो मस्ती करो बिंदास हंसी मजाक सब बिंदास करने का एकदम हंसी खुशी रहने का लेकिन पढ़ाई के समय पर पढ़ाई ठीक है तो हमको टूटना नहीं हमको बनना इस एज में और मैं बता रहा हूं इस एज में बन गए ना लाइफ का तो पता नहीं बट अब वाइज समाज में इज्जत वाइज रिस्पेक्ट वाइज शॉर्ट हो जाओगे ठीक है मजा आ जाएगा तुमको क्लियर है वाला पार्ट क्या सर, चलो तो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम एकदम जी जान लगा देंगे सर वो एक, वो एक पॉलिटिशियन की स्पीच में बोला था ना अरे जान लगा देंगे सर कैसी बात कर रहे हो आप जान दे देंगे इसके लिए तो बस यही सीए के लिए जान दे देंगे सर कैसी बात कर रहे हो आप यह तुम्हारा मोटिव होना चाहिए क्लियर है ठीक है अब मैं सब्जेक्ट शुरू करूं उसके पहले मेरी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है है ना अगर आप मुझे काफी बच्चे पूछते हैं सर आपसे पढ़ेंगे तो हमारे एट्टी प्लस नाइन्टी प्लस आ जाएंगे मैं कहता हूं कुछ शर्तें मेरी अगर आपने ये शर्तें मान ली तो आ जाएंगे पक्की बात लेकिन अगर आप मेरी शर्तें नहीं मानते हो तो फिर मैं गारंटी नहीं लेता लेकिन अगर आप मेरी शर्तें मानते हो आ ही जाएगा क्यों नहीं आएगा भाई ठीक है मेरी पहली शर्त आपका सबका वाय बहुत क्लियर होना चाहिए ये क्या होता है सर समझाता हूँ मैं आपको आप कहते हो ना सर हमको पता है हमको पढ़ाई करनी है मोटिवेशन नहीं आ रहा है सर देखो पता सबको है मेहनत करनी है पढ़ाई करनी है मोटिवेशन नहीं आता है सर है ना पढ़ने का मन नहीं करता है सर आप पढ़ने बोलो हमको पढ़ने का मन नहीं करेगा अभी आप वही हमको इंस्टाग्राम रील पे चीन तपा कर धुम धुम करने बोले तो हम बराबर स्कूल करेंगे सर मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है है ना इंस्टाग्राम की रील सब स्कोल करते हैं भाई पढ़ाई करने को बोलूंगा तो पढ़ाई नहीं होती अपने से पता है पढ़ाई करनी है गिल्ड भी आता है पढ़ाई नहीं की लेकिन करते नहीं है क्यों ऐसा क्यों क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है इसका मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्जाम्पल बड़ा अच्छा देता हूँ भाई दबे एग्जाम्पल के तो समझाता आपको वट इज द मीनिंग ऑफ दिस ठीक है समझ लो ये एक बिल्डिंग है ठीक है ये एक बिल्डिंग है ये बिल्डिंग ए ठीक है ये बिल्डिंग है ये बिल्डिंग का टेरेस ठीक है टेरेस है बिल्डिंग का टेरेस मतलब समझता है ना ठीक है यहां तुम खड़े हो और ये है बिल्डिंग बी ये बिल्डिंग बी ठीक है और ये भी है बिल्डिंग का टेरेस दोनों के बीच में गैप है फिफ्टीन फ्लोर्स की बिल्डिंग है फिफ्टीन फ्लोर्स की ठीक है और गैप है गिरे तो गए सीधा भगवान को प्यारे गिरे तो ठीक है अब मुझे एक बात बताओ अगर मैं तुमको बोलूं तुमको यहां से लेकर यहां तक चलना है तो तुम चलोगे क्या बताओ बताओ अगर मैं तुमको बोलूं तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है मैं बीच में रख देता हूँ एक दो इंच की प्लैंक मतलब लकड़ा रख देता हूँ बीच में दो इंच का इतना सा पतला लकड़ा मतलब एक पैर आ पाएगा उसके अंदर उतना पतला लकड़ा है और रख के बोलता हूँ चलोगे क्या बोलो सौ रुपए दूंगा बोलो सौ रुपये दूंगा चलोगे क्या बोलोगे सर माता खराब है क्या हमको हमारी जिंदगी प्यारी ऑब्वियसली नो no. देखो जानू ने बोला सुशील ने बोला अभिषेक ने बोला ऑफकोर्स नहीं चलेंगे सर कैसी बातें कर रहे हो माता खराब है क्या सर आपका कोई भी नहीं चलेगा भाई अगर कोई चलने को रेडी हो तो आ जाना मेरे घर पर बता दो तुमको चलवाता हूँ फिर ठीक है तो दो इंच की पट्टी पर सौ रुपये का तुम हजार रुपये तो भी नहीं चलेगा कोई है ना पूजा ने कहा नहीं चलेंगे रजने का नहीं चलेंगे एकदम नहीं चलेंगे सही बात है सर अब अगर मैं आपसे ये कहूँ देखो तुमने चलने से मना कर दिया तुम बोले हमको तो नहीं करना सर ये चीज़ अब अगर मैं बोलूँ ये जो बिल्डिंग बी है ना इधर लग गई आग इधर फायर लग गई ठीक है इधर फायर लग गई और इस फायर के अंदर तुम्हारा कोई भाई या कोई बहन या सपोज तुम्हारी फ्यूचर में शादी होगी तो तुम्हारा कोई बच्चा फंसा हुआ है फंसा हुआ है बराबर नीचे से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है मतलब देर इज नो वे कि तुम चले जाओ नीचे से कहा चला गया हाँ ये रहा देर इज नो वे कि तुम चले जाओ नीचे से यहां आग लग चुकी है तुम्हारा भाई बहन फंस चुका है और तुम नीचे से नहीं जा सकते एक ही तरीका जाने का वो है इस प्लैंक पे चल के जाने का अब बताओ जिससे तुम इतना प्यार करते हो अब जाओगे नहीं जाओगे क्योंकि अगर तुम नहीं गए तो वो आग में जल के बताओ अब बताओ अपने भाई बहन के लिए अपने भाई बहन के लिए चलोगे नहीं चलोगे बोलो यस और नो अब जाएंगे सर बराबर क्या रजदा ने बोला अब तो जाना ही पड़ेगा सर आयुष ने बोला अब तो जाना ही पड़ेगा सर अब तो जाना पड़ेगा सर अब तो जाना पड़ेगा क्यों तुम सेकेंड केस में जाने को रेडी क्यों हो गए क्योंकि तुम्हारे पास जाने की एक वजह थी वजह यू हैड अ रीजन टू गो देर तुम्हारा वाई क्लियर था पहले जब मैं बोला था सौ रुपए के लिए करो तुम बोलोगे अबे वो इतना मोटिवेशनल था ही नहीं मेरे लिए सौ रुपया कि मेरे को सौ रुपए के मैं इतना करूं नहीं करोगे आप क्योंकि आपको अंदर से फील ही नहीं आई इसके लिए अब तुम बिना सोचे मेरे बिना बोले चले जाओगे भाई क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर है बस सेम चीज सीए में होती है पढ़ते पता है क्यों नहीं है वजह ही नहीं है अपने को पता ही नहीं कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है इससे मुझे क्या हासिल होने वाला है तुम्हारा वाई क्लियर है ही नहीं तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना सर ये वाई मुझे कैसे मिल सकता है सी में जैसे फॉर इन माय केस आई यूज टू बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो मेरे लिए मेरे फैमिली को सपोर्ट करना मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करना उनको रिटायर करवा के मैं काम करूँ वो घर बैठ के मजे करें और मैं काम करूँ ये मेरे लिए बहुत जरूरी था तो मेरे लिए सी ए बन के पैसा कमाना इज्जत कमाना बहुत जरूरी था तो माई पेरेंट्स वर दैट वाई फॉर मी बराबर बिकॉज आई डिन नॉट हैव मनी पहले हमारे फैमिली थोड़े सा लोअर मिडिल क्लास बराबर मनी वॉज अ वाइफ फॉर मी तुम्हारे लिए वाइफ कुछ भी हो सकता है हाँ कोई बोलेगा सर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से प्यार करती है लेकिन उसने बोला सी ए करेगा तो शादी करूंगी दैट कैन बी ऑल्सो वाइफ फॉर यू हाँ हाँ सर तो सर मतलब वाई के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ के लाएगा ए एग्जांपल दे रहा हूं तो तुम्हारा वाइक कुछ भी हो सकता है बस वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो तुमको बिना सोचे मेहनत करने पे फोर्स कर दे मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए तो आज का तुमको होमवर्क देता हो एक पता है क्या होमवर्क एक सिंपल सा होमवर्क देता हूँ आज कोई होमवर्क नहीं दूंगा ये होमवर्क है जब क्लास खत्म होगी ना पंद्रह मिनट बैठ के सोचना आपका वाई क्या है और जहां आपने टारगेट मार्क्स लिखे हैं ना जहां टारगेट मार्क्स लिखे है मार्क्स लिखे, उसी के बाजू में अपना वाई लिख देना कि मुझे सीए क्यों बनना है मजा ले किसी के जो तुमको कोई मोटिवेशन की जरूरत पड़े उसके बाद और अगर पेरेंट्स है तुम्हारा मोटिवेशन चिपका देना पेरेंट्स की फोटो फिर देखना तुम कभी बंद नहीं करो ना पढ़ने का पहला पढ़ना खोलना फिर देखना कैसे पढ़ाई होती है मैं सच्ची मजाक नहीं कर रहा हूँ सच्ची बोल बोलो ये बात आई एम ऑल्सो फ्रॉम अर मिडिल क्लास फैमिली मैं भी करके दिखाऊंगा क्यों नहीं कर सकते तुम सब कर सकते हो भाई पक्का अब बोलो पिंकी प्रॉमिस सर मैं कल आते सबसे पहला सवाल पूछूंगा वाई तुम्हारा वाई क्या मुझे बताना अभी नहीं पूछूंगा तुमसे कल पूछूंगा तुमसे तो तुम बताना ये चीज देखो मैं चाहूँ ना मैं अभी चालू कर दूं एडवांस अकाउंट पढ़ाने का सब्जेक्ट अभी शुरू कर दूं बट ये सब चीज़ है ना फिर तुमको कि बताएगा नहीं बराबर तो बोलो पी, पी जल्दी से बोलो पीपी पी पिंकी प्रोमिस सर करेंगे ये क्लियर करेंगे कल पूछूंगा ये तुमसे क्लियर ठीक है सर तो ये लिख के रखना वेरी गुड कितने अच्छे बच्चे सब ऐसे और रिप्लाई करते रहना देखो देखो आकाश जतिन सुशील विशाखा अक्षत रोशनी कैजान जानू ये सब कितने अच्छे बच्चे सर रिप्लाई करते हैं ठीक है तुम भी ऐसा रिप्लाई करते रहना ओके चलो जान लगा देंगे सर मजा आ गया नहीं आएगी नहीं आएगी किसी ने कहा सर मेरा बैकग्राउंड साइंस का है डायरेक्ट एंट्री तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी नहीं आएगी बस मेरी बातें ध्यान से सुनते हुए चलना ठीक है चलो वेरी गुड निष्का पूजा माही सुप्रीत हिमांशु बहुत बढ़िया चलो अब मैं आगे बढ़ जाऊँ आगे बढ़ जाऊँ कंफर्टेबल फील कर रहे हो मेरे साथ अभी मेरी बातें समझ में आ रही है आपको अगर मेरी ये बातें समझ में आ रही है ना तो पढ़ाई तो इससे भी ईजी है वो तो इससे भी ईजी समझ में आएगी आपको ठीक है चलो तो ये पहला प्रॉमिस आप मेरे से करोगे आप वाई क्लियर करोगे अपना दूसरा भाई ये अकाउंट्स है ठीक है ये कोई तुम्हारा थियोरी सब्जेक्ट नहीं है जो तुम सिर्फ देखोगे और सोचोगे कि हाँ सही किया है सर रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है यही वजह है कि मैं क्लास में आपको कंसेप्ट बनवाऊंगा क्लास में सोल्यूशन भी करवाऊंगा और आपसे उम्मीद रखूंगा कि जब मैं बोलूँ घर पर रिवाइज करना है तो एटलीस्ट आप घर पर रिटर्न प्रैक्टिस करोगे सर जितना आपने पढ़ा है, पूरा लिख के प्रैक्टिस करें पूरा नहीं जितने मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा वो लिख के प्रैक्टिस करना है फिर जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा अकाउंट्स का और जब आप स्टडी लीव पे जाओगे तो तभी भी आप अकाउंट्स को रिटर्न प्रैक्टिस करोगे कोई भी काम चोरी नहीं करेगा लिखने में अगर आपने लिखने में काम चोरी की तो एग्जाम में हाथ नहीं चलेगा फिर तुम समझ रहे हो एग्जाम में ओरल टेस्ट तो है नहीं कि वो टीचर आके तुमको पूछेगी बताओ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस और तुम जबान से जवाब दोगे ऐसा तो नहीं है ना अपने को लिख के दिखाना है तो उसकी प्रैक्टिस अपने को ये इतने दौरान करनी है तुमको समझा मैंने क्या बोला तो रिटर्न प्रैक्टिस गोइंग टू बी द की क्लास में बोलू लिखना सोल्यूशन लिखा लिखना घर पे बोलू रिवाइज करना कम टाइम है तो स्क्रिबल करना बाजू में होता है रफ वर्क में प्रैक्टिस किया वैसा करना वो मैं गाइडेंस देता हुआ चलूंगा आपको बट प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको लिखकर प्रैक्टिस ठीक है yes. यस चलो सागर बोलते हैं सर गाइज जस्ट ब्लाइंडली फॉलो हिम आई क्लियर बिकॉज ऑफ हिम वेरी गुड सागर चलो ये हो गया ठीक है उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम जो आपसे मुझे आपसे चाहिए वो है कि आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे सर डिसिप्लिन का मतलब क्या है मन हो ना हो क्लास में आना है मतलब आना है नॉट ओनली इन एफ आर आपकी सुबह से क्लास चल रही होगी आप सुबह सात बजे उठोगे क्लास अटेंड करोगे अपने इंटर की योर जर्नी इज गोइंग टू बी ऑफ़ फुल ऑफ हार्डवर्क बट हार्डवर्क दो दिन किया चार दिन छुट्टी मारा नहीं देखा ये नहीं चलेगा डिसिप्लिन इज गोइंग टू बी द की इन योर सक्सेस बराबर क्या ये नहीं है तो जिंदगी में एग्जाम क्या कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा है ना मान लो मेरा आज मन नहीं आपको पढ़ाने का तो मैं मन की सुन के छुट्टी दे दू आपको तो आपका तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा फिर बराबर तो डिसिप्लिन का मतलब कोई चीज का अगर स्केड्यूल्ड है टाइम तो वो चीज करनी है मतलब करनी है उसमें मेरा मन नहीं है मेरा मोटिवेशन नहीं है मेरा बाबू से झगड़ा हुआ था मेरे आज मेरा मन नहीं सब नहीं चलेगा भाई बराबर करना है मतलब करना है नॉट ओनली इन माइ क्लास बराबर सबके लिए तुम लॉ पढ़ो टैक्सेशन पढ़ो अकाउंट्स करो बराबर क्या सब क्लियर है वाला पार्ट यस क्लियर है डिसिप्लिन अब डिसिप्लिन दो दिन नहीं कंसिस्टेंटली चाहिए कंसिस्टेंसी के साथ चाहिए भाई कंसिस्टेंसी के साथ इसका वॉट इज अपनी को कंसिस्टेंसी आपने पता क्या है अपने ना दो दिन करते चौदह घंटा पढ़ाई ठीक है फिर बोलेंगे तेरे भाई ने क्या पढ़ाई की आज पाँचवें दिन वही घोड़ा वही मैदान हवा फुस तो दो दिन की मेहनत से कोई सीए नहीं बनने वाला ये बीकॉम के एग्जाम नहीं है या तुम्हारे एलेवन्थ ट्वेल्थ के एग्जाम नहीं जो दो दिन पढ़े और पास हो गए ये सीए है भाई कंसिस्टेंटली एफर्ट चाहिए बराबर मैं वापस बोल रहा हूँ सी ए पता क्या है तुमको पता हूँ सीए काफी लोग बोलते हैं डिफिकल्ट है सीए डिफिकल्ट नहीं है सीए बल्कि है उसमें ना कंटेंट बहुत ज्यादा है जैसे एडवांस अकाउंट्स बड़ा है टैक्सेशन बड़ा है तो समय लगता है वो सब पढ़ने में डिफिकल्ट नहीं है भाई मैं तुमको बताऊंगा तुमको सब समझ आ जाएगा तुम बोलो क्या समझ तो क्या सर याद नहीं हो रहा क्योंकि बहुत सारा है तो वो बहुत सारा पढ़ने के लिए समय चाहिए तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है और उस समय के अंदर अपन बोले मन नहीं था सर है ना मूड नहीं कर रहा था सर झगड़ा हुआ था सर मेरे सोना बाबू से तो इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं की ये सब नहीं चलेगा तो बल्कि कंटेंट पढ़ने के लिए समय देना पड़ेगा वो समय आपको देना पड़ेगा क्लियर क्या अरे यस और नो यस चलो आगे ये तीसरा प्रॉमिस पहला मुझे प्रॉमिस था अपना वाई क्लियर रखो सेकंड प्रॉमिस लिख प्रैक्टिस करोगे तीसरा डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन रखोगे डिसिप्लिन किस चीज में लेक्चर डेली देखना है अपने को उसके अलावा मैं जो पढ़ाऊंगा डेली आपको डेली बैठ रिवाइज करना है सपोज मैंने आपको तीन घंटा पढ़ाया ठीक है इसको रिवाइज करने कम से कम लगेंगे पंद्रह मिनट मैक्सिमम तीस मिनट बराबर तो मान लो ऑन एन एवरेज बीस से पच्चीस मिनट आपको रोज़ देने पड़ेंगे उसको रिवाइज करने में सर अगर मैं रिवाइज ना करूँ तो तो एडवांस अकाउंट छोड़ो कोई भी सजाई क्लास लेना वेस्ट है आपके लिए ठीक है अगर आपने ये कर दिया तो आपके पास होने के चांस बढ़ जाते हैं देखो आपको पता है ना सौ में से कितने बीस लोग पास होंगे एकदम मतलब एकदम हाइस्ट नंबर लिया है बीस लोग पास होंगे वो बीस लोग कौन है जिनके पास थोड़ा कॉम्पिटेटिव एज है रहेंगे. Not only in advanced accounts. सुबह जो भी क्लास करोगे लाइफ हेक्टिक होगी आपके लिए बट कोई बात नहीं भाई अपन अपनी उम्र बना रहे अभी अपनी जिंदगी बना रहे अभी. बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है बराबर तो लगने दो तो वो समय करेंगे अपन मेहनत मेहनत करने आए तभी तो सीए में है ना भाई काफी लोग बोलते हैं भाई सीए में बहुत मेहनत है अरे डिफिकल्ट अभी तो कर रहे ना इजी होता अपन करते भी नहीं इजी चीज पसंद किसको है अपने को चाहिए डिफिकल्ट चाहिए लाइफ में चैलेंज है ना बराबर चैलेंज का रिवॉर्ड भी आके जाके अच्छा खासा रिवॉर्ड है अरे बोलो इस नो यस सर तो हम लेक्चर भी देखेंगे भी करेंगे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ठीक है तुम टेंशन मत लो देखो तुम मेरी क्लास पर चालू कर लेना ढाई बजे में आऊंगा ना रोज चालू कर लेना जो रिकॉर्डेड भी देख रहा हूँ उनको भी कह रहा हूं आप बस लेक्चर चालू कर लेना मेरा तुमको तीन घंटा बिठाना तुमसे ये सब काम डेली बेस पे कराना मेरी जिम्मेदारी है तुम बस आ जाना ठीक है ये भी नहीं बोला तीन घंटा देख लेना मैं बोला तुम बस चालू कर लेना वो तुमको बिठा मैं दूंगा तीन घंटा वो मेरी जिम्मेदारी है मानता है कि नहीं मानते हैं सर ठीक है उसके अलावा भाई पॉजिटिव रहना ठीक है जिंदगी में अगर मैं आपको ऑप्शन दू सोचने का दो ऑप्शन है या तो आप सोचोगे सर बहुत सारा है मेरे से नहीं होगा बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे से नहीं होगा सेकंड आप सोच सकते हो कोई बात नहीं डिफिकल्ट है तो क्या हुआ काफ़ी लोगों ने क्या मैं भी करके दिखा सकता हूँ मुझे दूसरे वाले लोग बहुत पसंद है जिनका पॉजिटिव माइंड है ट्राई टू बी पॉजिटिव इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है बहुत लोग हर अटैम्प में सी ए बनते इंटर पास करते फाउंडेशन पास करते जब वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो और आप सब ऐसे ही नहीं आए इंटर में काफ़ी लोग फाउंडेशन पास करके इंटर में आए हैं तो क्याली आप में है ठीक है अपने आप पे कभी डाउट मत करना और मैं ये भी बोलूँगा ऑल्सो स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल जो आपको हमेशा पॉजिटिवली कहे कि आप कर सकते हो आपसे होगा जो आपको कहता है ना तेरे से नहीं होगा तू तो, तो बच्चा है तू क्या ही कर लेगा दूर रहने का ऐसे लोगों से ठीक है लाइफ में वैसे ही बहुत टेंशन चलती है अपनी जिंदगी में और टेंशन पालने का नहीं तो ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल तो आज के बाद कोई मुझे ये मत बोलना सर बड़ा हो नहीं रहा है सर मेरे से मेरे से मैनेज नहीं हो रहा है कोई बात नहीं भाई नहीं हो रहा ना एक दिन कर दो दिन कर चौथे दिन अपना मैनेज होगा तेरे से ठीक है सब होएगा बस अपने आपको ये मत किया कि नहीं हो रहा मेरे से नहीं हो रहा ना लगता है नहीं हो रहा झूठ बोल अपने आप को बोल हो रहा है कोई बात नहीं हो रहा है हो रहा है इतना झूठ बोलो कि वो झूठ एक दिन सच बन जाएगा आपके लिए समझा मैंने क्या बोला तो ये फोर्थ चीज जो मेरे को आपसे चाहिए और एक आखिरी चीज यू गाइस हैव टू ट्रस्ट मी देखो रिलेशनशिप हो या पढ़ाई हो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है अगर सपोज तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो बोल रहा है कि मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूं तो तुमको भरोसा रखना पड़ेगा यही नहीं कि जाए उसके पीछे पीछे देख रहे दोस्त से मिल रहे किससे मिल रहे ये नहीं होना चाहिए अगर वैसा हुआ तो फिर ट्रस्ट नहीं बन पाएगा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगी बराबर अगर वो कोई गलत काम कर रहा होगा तुमको पकड़ा जाएगा कभी ना कभी भगवान दिखा देगा उसका असली सच कभी ना कभी सेम चीज पढ़ाई में मेरे पे तुम भरोसा रखना मैं कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा मैं तुम्हारा अच्छा ही चाहूँगा तो अगर मैं कोई चीज कह रहा हूँ तो भरोसा करना कि हाँ सर बोल रहे सही बोल रहे होंगे ये नहीं कि सर नहीं 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 आप पे भरोसा नहीं है सर हमको आप छोड़ बोल रहे हो सर मैं बोलूँ कि इस चीज के डेप में जाना है तो डेप में जाना है मैं बोलूँ ये चीज इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि सर नहीं नहीं आप बोल रहे इंपॉर्टेंट लेकिन बड़ा है तो हम नहीं करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा हमको ऐसा नहीं आप यू विल हैव टू ट्रस्ट मी भरोसा आपको करना पड़ेगा चलो आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं भी हो ना मैं आपको एक अच्छा मोटिवेशन देता हूँ ऐसा समझो ये मेरा करियर का आखिरी बैच नहीं है बराबर मुझे अपना करियर बिल्ड करने आगे और बिल्ड कब होगा जब मैं आपका अच्छा सोचूंगा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बोलोगे आकाश सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया आप आगे जाके मेरा नाम रिकमेंड करोगे तो ही मैं तरक्की करूंगा ना तो मैं आपके साथ बुरा करूंगा तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा ना यार तो हमेशा ध्यान रखना भाई सर जो कहेंगे हमारे अच्छे के लिए कहेंगे सर जो बोलेंगे बात खत्म भाई ने बोला करने का तो करने का मैं तुम्हारा भाई हूँ सर मत बोलो भाई बोलने का भाई हूँ मैं तुम्हारा है ना तो भाई ने बोला करने का तो करने का सर बोल रहे ना बस ये करना है अपने को भरोसा रखना मेरे ऊपर ठीक है बोलते सर एग्जाम्पल तो बढ़िया दे रहे हो आप हाँ क्लियर पांच वादे आपसे मैं लूंगा पिंकी प्रॉमिस करके सबसे पहले वॉइस ये लिख के प्रैक्टिस डिसिप्लिन पॉजिटिव रहना है भरोसा रखना है मेरे ऊपर बस ठीक है बाकी किसी भी चीज का टेंशन मत लेना भाई आया है सब करा के जाएगा ठीक है भाई आया ना सब करा के जाएगा इसलिए मैं प्यार से एक ऐसा तीन एक वर्ड भी बोलता हूं जिसको हम कहते एक के है भाई साहब इसका मतलब क्या है मैंने क्या बोला भाई आया सब करा के जाएगा तो है ना भाई टेंशन लेना टेंशन आया तो क्या सोचने का एक के है भाई साहब तो हम जब भी कोई चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे ना अपन ये बोलेंगे चैप्टर कंप्लीट करते ही एक के है भाई साहब मजा करेंगे एकदम ठीक है क्लियर है वाला पार्ट क्या तो बस ये मुझे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना था ताकि आपका एक ओवरऑल माइंडसेट बिल्ड हो जाए बराबर बाकी टेंशन मत लेना तुम मेरे छोटे भाई बहन मैं तुम्हारा बड़ा भाई बहन नहीं से भाई बड़ा भाई ठीक है उसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे क्लियर बोलो यस सर यस सर चलो अब तुम नोटबुक खोल लो पेन वगैरह ले लो अब हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे ठीक है अच्छा अगर तुमको कुछ क्वेरी है तो पूछ लो टेस्ट के रिगार्डिंग चेकिंग वगैरह कैसी होगी जब मैं टेस्ट कंडक्ट करने वाला रहूंगा मैं तभी क्लास में बता दूंगा अभी मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा ना सब भूल जाओगे तो थोड़ा सा ठीक है अगर तुमको दो चार मिनट कुछ पूछना है पूछ दो फिर मैं कंटेंट शुरू कर रहा हूं ठीक है बड़े भाई पे ट्रस्ट है वेरी गुड चलो सब बताऊंगा कैसा टेंशन मत लो सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं बट आई है मेरे पास आई के रिगार्डिंग आप टेक्निकल टीम से कांटेक्ट कर लो वो आपको बेटर बता पाएंगे ठीक है इंट्रो में ही मजा आ गया क्या बात है राहुल थैंक यू रोहन कहते हैं एडवांस अकाउंट्स का हाईस्ट लाऊंगा मैं रोहन ये हुई ना बात ये कॉन्फिडेंस ये है मेरे को क्लास का ड्यूरेशन अच्छा क्लास की टाइमिंग डेली रहेगी टू थर्टी से लेकर फाइव थर्टी तक ठीक है मतलब तीन घंटा क्लास रहेगा कभी कभी मैं फाइव थर्टी का थोड़ा सा फाइव थर्टी फाइव कर लूँ, कभी मैं फाइव ट्वेंटी फाइव भी छोड़ दूंगा तो पाँच, छः, दस मिनट ऊपर रहेगा तो रोना मत, ठीक है यस जिसको भी लिंक नहीं आई ना एनरोल करने के बाद इनको कांटेक्ट करना टेक्निकल टीम को ठीक है चलो उसके अलावा चलो और कुछ सर अगर हम लाइव एट होम एनरोल करूँ तो क्या मैं फेस टू फेस डाउट पूछ सकता हूँ क्या लाइव एट होम करेगा ऑनलाइन ही करेगा ना तो तू ऑनलाइन डाउट पूछ पाएगा ऑनलाइन एनरोल करके फेस टू फेस मतलब इधर कितना खड़े का डाउट पूछेगा मेरे से ऑनलाइन ही पूछ पाएगा तो ऑनलाइन पूछ सकता है तुम क्लास के अंदर पूछ सकते हो अगर लाइव बैच देख रहे हो लाइव बैच नहीं देख रहे हो तो डाउट सपोर्ट का डिटेल्स मैंने दिया हुआ है गूगल ड्राइव के अंदर वहां जाके पूछ लेना मुझे ठीक yes. अच्छा है यस चलो बैच का ड्यूरेशन अच्छा एक अच्छा सवाल पूछा है बैच का ड्यूरेशन लगभग कितना होगा तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ टू ट्वेंटी आवर्स अप्रोक्स ठीक है लेकिन मैं बताऊं सच्ची तुमको आवर्स से फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसा भी पॉसिबल है टू हंड्रेड आवर्स में हो जाए ऐसा भी पॉसिबल है टू थर्टी आवर्स हो जाए हमारा मोटिव ड्यूरेशन कम करना नहीं हमारा मोटिव है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना अच्छे से पढ़ाई करना ठीक है तो सर एंड डेट क्या होगी एंड डेट मान के चलो थर्टीथ नवंबर अप्रोक्स मैं कोशिश करूंगा मैं आपको इससे पहले ही फ्री कर दूं मैं कोशिश पूरी करूंगा बराबर बट मैं आपको एक वर्ष केस बता के चल रहा हूं कि थर्टी नवंबर भी हो सकता है बट मैं कोशिश पूरी करूंगा कि मैं आपको जल्दी फ्री कर दू इस दिन से पहले फ्री कर ठीक है ओके और जो रिकॉर्डेड देख रहे जो जो रिकॉर्डेड देख रहे जो क्लास में डेली लूंगा वो आपके गूगल ड्राइव पर डेली अपलोड होगी तो आप डेली लेक्चर देख सकते हो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं बराबर ध्यान रखना चलो क्लियर चलो अच्छा अब अगर और कुछ क्वेरी रह गई तो आप मुझे फाइव थर्टी जब क्लास खत्म होगी तब पूछ लेना बोलो ठीक है और टेंशन मतलब मैं तुमको बीच में ब्रेक भी दूंगा पंद्रह मिनट का मस्त मस्त मजा आ जाएगा तुमको ठीक है चलो क्लियर ओके मेरे ख्याल से अब काफी हो गया अब अपन कंटेंट शुरू कर सकते हैं तो आप जो भी प्रभु में मानते हो जो भी भगवान में मानते हो उनका नाम लो और आओ शुरू करते हैं ठीक है आ जाओ चलो किताब निकाल लो और वो भी निकाल लो भाई वो निकाल लो मतलब फिर पेन निकाल लो ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं नोटबुक का साइज कितना है बता दीजिए अरे जो ले लो कोई भी ए फोर साइज की मोटी मोटी नोटबुक ले लो बढ़िया सी ठीक है चलो मैं बताऊंगा मुर, मुरारी झा मैं सब बताऊंगा क्लास के अंदर टेंशन मत लो ठीक है चलो थोड़ा सा पेशेंस सब डिस्कस करेंगे आ जाओ अब मैं सबसे पहले आपसे क्या चर्चा कर रहा हूँ है आई वॉन्ट टू डिस्कस दिलेबस विद यू मुझे सिलेबस डिस्कस करना है ठीक है आप लिखोगे मेरे साथ साथ में लिखना है आपको ठीक है नहीं सेम बुक है सेम बुक एक ही नोटबुक बनाना ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट के अलग क्वेश्चन के अलग कंसेप्ट क्वेश्चन एक ही बुक में जो मैं होमवर्क दूंगा आपको आप चाहो तो होमवर्क अलग बुक में कर लेना ठीक है प्रैक्टिस जो है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे खुद घर पर रिवाइज करोगे आप अलग नोटबुक में कर लेना बट जो मैं क्लास में लिखाऊंगा वो सब सिंगल नोटबुक में ठीक है सब सेम नोटबुक बनेगी कोई अलग अलग नहीं बनाएगा सिलेबस सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंट्स

पेपर पैटर्न सबसे पहले क्या हमको पूरा ही पेपर थियरी है क्या मतलब पूरा सॉल्व करना है क्या नहीं थर्टी परसेंट पेपर केबीसी है केबीसी मतलब पता है कौन बनेगा सीए केबीसी बीसी हाँ ये अच्छा मैंने बनाया ऑन द स्पॉट ठीक है <laughs> कौन बनेगा सीए तो अगर आपका पेपर सौ माह का है जो आपको अटेम्प्ट करना है तो उसमें से आप ऐसा लिख लेना साथ में लिखना मेरा ठीक है थर्टी परसेंट जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा ना आपको मैं कंसेप्टअली इतना स्ट्रांग कर दूंगा ना कि आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए इसमें मैं फुल लाऊंगा आते हैं फुल हंड्रेड परसेंट आते हैं भाई हंड्रेड परसेंट कंसेप्टअली क्लियर रहना फुल आएंगे बचा कितना सेवेंटी मार्क्स सेवेंटी मार्क्स रहेगा डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव समझता है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आप वो क्वेश्चन पढ़ के आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा टिका टिकी नहीं एबीसी में से चूज मत करो वैसा नहीं है उसमें ठीक है इसमें सॉल्व करना है आपको पूरा ओके okay? तो एमसीक्यू सर कंपलसरी है क्या ऑफकोर्स कंपलसरी है दिस एमसीक्यू इज कंपलसरी ऑप्शन नहीं है कि एमसीक्यू कर लो या कुछ और कर लो कंपलसरी है ये ठीक है सर एमसीक्यू कैसे फ्रेम होते हैं वो अपन जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं बताता हुआ चलूंगा आपको क्योंकि अभी बताऊंगा ना मजा नहीं आएगा तुम सब मजा ही नहीं आएगा तुमको मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा मजा ही नहीं आएगा बस इतना मान लो एमसीक्यू है कंपलसरी होते हैं ठीक है ठीके? सर एमसीक्यू एग्जाम में कब करना चाहिए वो सब गाइडेंस लास्ट में वो बात की बात है पहले सीख तो लेते हैं अपन सब्जेक्ट आगे सत्तर मार्क का डिस्क्रिप्टिव है सेवेंटी मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव लिखा ये लिखा सर अब इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं सर तो डिस्क्रिप्टिव में हर क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स का होता है ठीक तो 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 है तो टोटल छः क्वेश्चन होते हैं तो मैं बताऊंगा इसमें कैसा होता है क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन सिक्स छः मार्क के होते हैं ठीक है इसमें से क्वेश्चन नंबर वन होता है कंपलसरी मतलब एमसीक्यू भी कंपलसरी और ये क्वेश्चन नंबर वन भी कंपलसरी मतलब इसमें आप छोड़ नहीं सकते इसको बाकी जो क्वेश्चन टू से लेकर क्वेश्चन सिक्स बचता है क्वेश्चन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसमें टोटल पांच क्वेश्चन बन गए ना टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन पांच में से आपको एनी फोर सॉल्व करना है तो एनी फोर आउट ऑफ फाइव एनी फोर आउट ऑफ ठीक है मजा आ गया सर मतलब एक पूरा क्वेश्चन आप ऑप्शन में डाल सकते हो ठीक है इसमें जो हर एक क्वेश्चन होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये हर एक क्वेश्चन फोर्टीन मार्क्स का होता है तो मैं लिखता मार्क्स इच अब सर चौदह मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन होता है क्या तो इसमें है कैसा होता है फोर्टीन मार्क्स में ऐसा भी पॉसिबल है फोर्टीन मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन हो ऐसा भी पॉसिबल है सेवन सेवन मार्क्स के दो क्वेश्चन हो ऐसा भी पॉसिबल है फाइव मार्क्स फाइव मार्क्स और फोर मार्क्स का तीन क्वेश्चन हो मतलब ये जो मार्क्स मार्क्स है उसमें 14 का सिंगल क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर या फिर टेन प्लस फोर मतलब एक क्वेश्चन दस मार्क का एक क्वेश्चन चार मार्क्स का तो ऐसा हुआ तो पता है कैसा पूछेंगे ऐसा बोलेंगे क्वेश्चन वन ए टेन मार्क्स क्वेश्चन वन बी फोर मार्क्स बराबर क्वेश्चन वन बी कितना मार्क्स मार्क्स तो टोटल मिला के हो गया ना फोर्टीन बराबर क्या तो ऐसा टेन प्लस फोर भी हो सकता है उसके अलावा फाइव प्लस फाइव प्लस फोर भी हो सकता है इसका मतलब सब ऐसा मान लो क्वेश्चन टू ए फाइव मार्क्स क्वेश्चन टू बी फाइव मार्क्स क्वेश्चन टू सी फोर मार्क्स मिला के हो ना चौदह मार्क्स ऐसा इसमें फाइव प्लस फाइव प्लस फोर भी हो सकता है एट प्लस सिक्स भी हो सकता है मतलब हर एक क्वेश्चन का टोटल मिलाकर चौदह मार्क होगा अब वो दो दो मार्क का सात क्वेश्चन भी हो सकता है कैसे भी हो सकता है उसके अंदर सबको क्लियर है बोलो यस और नो ये वाला पार्ट समझ में आया तो ऐसा नहीं कि चौदह मार्क का सिंगल क्वेश्चन ही आएगा वो भी आ सकता है ऐसा 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 भी आ सकता है कैसे भी आ सकता है ठीक है और एक पूरा क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए ऑप्शन में मिल जाता है कि ये पूरा एक क्वेश्चन छोड़ दो नहीं आता तो बस क्वेश्चन नंबर वन और एम को नहीं छोड़ सकते आप वो कंपलसरी है देखो आपको मेरी ये वाली बातें बोले हुई समझ आ रही है ना तो मैं पढ़ाता भी ऐसे ही हूँ एकदम बेसिक मैं मानूंगा आपको कुछ नहीं आता है और वो सोचकर आपको पढ़ाऊंगा समझा कैसा होता है ठीक है सर समझ गया तो आइडियली पता है भले ही पेपर अटैम्प सौ माह का करना है लेकिन पेपर सौ मार्क का नहीं होता है बताओ पेपर कितने मार्क का होता है बताओ पेपर कितने मार्क का होता है वेरी गुड आंसर क्योंकि अपने को पूरा एक क्वेश्चन लोग एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं तो पेपर हो गया और हर एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है बराबर तो पेपर आइडियली हो गया 114 एंड मार्क्स का अप्रोक्स ऐसा मान लो वैसे हंड्रेड भी नहीं होता है किसी एक क्वेश्चन में ना

कितने चौदह मार्क का पेपर एक सौ बीस मार्क का पेपर आपका आ जाता है वन फोर्टीन से लेकर वन ट्वेंटी मार्क्स तक का पेपर ऐसा तो उसमें से अटेम्प कितना करना है सौ मार्क का मजेदार है सर मतलब यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी हंड्रेड परसेंट एफिशेंट इन ऑल द चैप्टर्स आप कवरेज पूरी करोगे कोई भी बंदा सिलेक्ट स्टडी नहीं करेगा हम सब पढ़ेंगे पूरा पूरा कंटेंट कवर करेंगे लेकिन ऐसा पॉसिबल है पूरे कंटेंट में आपके कोई चैप्टर्स हल्के से आपको कंफर्टेबल ना फील करवाए इट इज ओके भाई है ना ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है बट वैसा होने दूंगा नहीं आपके साथ मैं आपको सब चैप्टर में कंफर्टेबल फील करवा दूंगा मेरी गारंटी है क्लियर ऐसा गारंटी लेते हो लेता हूं ना एक के है भाई सर चलो ठीक है लिखा ये ये था पेपर पैटर्न उन लोग कैसे भी पूछ सकते हैं ये आपको बेसिक आइडिया लेना है बस और लगभग लगभग आपके पूरे सीए इंटर में यही पेपर पैटर्न है लगभग लगभग हर सब्जेक्ट में क्लियर एकदम क्लियर है सर अब मैं ये लिखा ना अब जैसे लिखी हो जाए बॉक्स में डी करके बोलना डी डी मतलब डन ठीक है तो डन पूरा लिखोगे सचा डी लिखो ना सिर्फ डी करके लिखो तो मुझे समझेगा तुमने लिख लिया करके ठीक है आराम से लिखो कोई टेंशन नहीं है धीरे धीरे जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो अपन आराम से फटाफट जा सकते हैं अभी मैं स्लो ही जाऊंगा डन सबने बोल दिया डी डन डना डन डन मजा आ गया आगे बढ़ रहा हूं मैं अब ये पेपर पैटर्न डिस्कस हो गया अब हल्की फुल्की बातें सिलेबस की भी कर लेते हैं बहुत मजेदार सिलेबस है ये तुम्हारा सी एंटर -E का ठीक है सबसे पहले सिलेबस को मैं बांटूंगा दो पार्ट के अंदर दो पार्ट में बांटेंगे सिलेबस को ठीक है पहला पार्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है लिखना पहला पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सर ये होते क्या है मैं डिस्कस करूंगा जब मैं चालू करूंगा उसके पहले मैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा क्या होता है ये ठीक है ऐसा मान लो इसी के बेस पे आपकी बैलेंस शीट बनती है जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ भी चीजें रिकॉर्ड करें कोई खर्चा रिकॉर्ड करें कोई इनकम रिकॉर्ड करें कोई असेट रिकॉर्ड करें कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ले वो कब रिकॉर्ड करना है किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है कहाँ रिकॉर्ड करना है वो सब हमको ये गाइडेंस देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स मतलब अकाउंटिंग कैसे करनी है कहां रिकॉर्ड करना है कितने अमाउंट पर रिकॉर्ड करना है बराबर वो बताएगा हमको ठीक है अब टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ठीक है अगर आप मान के चलोगे तो देर आर ए एस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट फॉर्म में ए एस बोल दूस है ना जैसे आप आकाश कंधे को बोलते हो वैसे इसको बोलते तो देर आर ए एस वन से लेकर ए एस ट्वेंटी नाइन तक मतलब कितने हो गए वन से लेकर ट्वेंटी नाइन तक तो हो गए ट्वेंटी नाइन लेकिन इसमें से दो अबॉलिश हो चुके निकल चुके ओमिट हो चुके बराबर तो वन से लेकर ट्वेंटी नाइन एक्सेप्ट लिखना नीचे एक्सेप्ट एक्सेप्ट ए एस सिक्स एंड ए एस एट ये दो बिचारे इस दुनिया में नहीं रहे है ना ये निकल चुके भाई साहब डिलीट हो चुके हैं ये बराबर क्या तो कितने बचे ट्वेंटी नाइन में से दो निकल गए तो बचे ट्वेंटी सेवन वाह क्या से हमारा देखो मैथ्स तो अच्छा है तुम्हारा ठीक <laughs> है कितने बचे ट्वेंटी सेवन आधे लोग ट्वेंटी सेवन आंसर करके भी इशारी मार रहे कि वाह सर आता है इतना तो हाँ <laughs> चलो ठीक है अब वो कहाँ निकल के कहाँ गए वो सब बातें बाद में करेंगे ठीक <laughs> है तो टोटल ट्वेंटी सेवन ईयर्स हो गए ठीक है सर अब मैं इस ए एस को दो पार्ट में बांट दू दो पार्ट में है ना बांट दू दो पार्ट के अंदर इधर आ जाओ दो पार्ट में बांट रहा एक मैं बोलूंगा बिग चैप्टर्स बिग चैप्टर्स के ए एस मतलब वो चैप्टर बड़े हैं देखो दो तरह के चैप्टर होते होता है छोटा चैप्टर बड़ा चैप्टर तो कुछ है बड़े चैप्टर बिग चैप्टर के ए एस बराबर ऐसे टोटल कितने चैप्टर है सर टोटल तो तीन चैप्टर है ऐसे तीनों का नाम लिख लेते हैं पहला है कंसोलिडेटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यह चैप्टर इतना बड़ा है कि इसमें एक नहीं दो नहीं पूरे तीन एएस एस कवर हो जाते हैं एएस एस ट्वेंटी वन ए एस ट्वेंटी थ्री ए एस ट्वेंटी सेवन बराबर क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए एस ट्वेंटी वन ए एस ट्वेंटी थ्री ए एस ट्वेंटी सेवन भाई साहब इतना बड़ा है कि तीन एस खा गया ये आदमी चलो <coughs> पहला सर इसके नंबर अभी याद रखे क्या अभी कुछ याद नहीं करना है भाई अभी घर जाके ये मत ऐसा नहीं कि हाथ रख के देख रहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट एस ट्वेंटी ऐसा नहीं वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली मैं करा दूंगा सब यार लास्ट तक अब इसे लिख लो तो एक चैप्टर ये हुआ सेकेंड बड़ा चैप्टर बताओ सर अमालगमेशन अमालगमेशन जब दो कंपनी साथ में आती है उसको बोलते हैं दो कंपनी साथ में आती है अमालगमेशन ठीक है उसके लिए एक ये कैसे ए एस फोर्टी सेकेंड चैप्टर थर्ड बड़ा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बड़ा नहीं है वैसे बट ठीक है मैं उसको अलग से लिख देता हूं इसमें है ए एस थ्री इसमें है ए एस थ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक है क्लियर है वाला पार्ट तो तीन चैप्टर हो गए जिसमें अच्छा चैप्टर भले तीन है बड़े वाले लेकिन इसमें कितने ए निकल गए थोड़ी बुद्धि लगाओ ये मत बोलना कि तीन ए निकल गए नहीं 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 देखो पहले वाले में तीन निकल गए फिर ये फोर्थ निकल गया फिर ये फिफ्थ निकल गया तो हाँ बड़े चैप्टर में आपके पांच ए एस निकल गए निकल गए मतलब निकल गए मतलब बाहर नहीं हो गए तुम्हारे सिलेबस में है लेकिन वो इस कैटेगरी में आ गए ठीक है लोगों ने मालूम पड़ा बोला निकल गए तो सर अच्छा हुआ निकल ही गए निकले मतलब बाहर नहीं गए भाई है ठीक है बट वो बड़े चैप्टर में आ गए तो पांच एस इधर हो गए ठीक है तो मैं बोलता इधर हो गए ए तो बाकी अधर्स में कितने बचे अधर एस आपके हो गए ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू एस बाकी बचे ट्वेंटी टू बाइस उसको स्मॉल बोल लो जो बोलना है बोलो तुम्हारी मर्जी मैं उसको अधर्स बोल देता हूं बड़े चैप्टर्स और अदर्स ठीक है चलो तो ये आपका एक कंटेंट है एस अब एक बात बताओ आपको और एक है कंटेंट इधर करूंगा उसकी बात बट जैसे ए एस होता है ना ए एस ऐसा मान लो एस छोटी छोटी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है ठीक है कंपनीज के ऊपर इसका एक बड़ा भाई भी है पता है इसका बड़ा भाई कौन है इंडे एस इंडेस एप्लीकेबल होता है बड़ी कंपनी के ऊपर सर ये ए और इंडेस में फर्क क्या है वो हम बाद में समझेंगे बट दो होता है तो छोटी कंपनीज उसके लिए ए जो बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई टाटा हो गई इंफोसिस हो गई है ना ये सब बड़ी बड़ी कंपनी महिंद्रा हो गई ये इंडेस फॉलो करती है भाई अच्छा सर हमको इंडेस भी है आ, ना 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 ना, ना। आते हैं सीए फाइनल में बराबर इंडेस आते सी फाइनल में वो मैं पढ़ाता हूँ और बहुत सालों से सा पढ़ाता और बहुत मस्त पढ़ाता हूँ तो जब मैं बड़े भाई को इतना अच्छा पढ़ाता हूँ जब बड़े बड़े को इतना अच्छा पढ़ाता हूँ तो ये तुम्हारे छुट्टे छुट्टे ए एस क्या चीज है बे समझ रहे हो तुम और जितना तमीज से तुम एस पढ़ोगे फाइनल में जाकर इंडियस उतने ही आसान हो जाएंगे तुम समझ रहे हो क्या यस

प्रैक्टिकल चैप्टर्स लिखो तुम भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स ठीक है चलो स्विजरलैंड वाला ब्लॉग देखे था सर आपका मैं अरे मेरे को स्पॉन्सर किया था बीबी -बी सर ने बीबी -बी सर मतलब ये बीबी वर्चुअल जो है ना वो बीबी -बी सर के भवर बनाना सर जो टैक्स पढ़ाते है ना तो उन्होंने स्पॉन्सर की थी मैं गरीब आदमी हूं भाई बड़ा तुमको बताऊंगा मेरी इनकम बाद में अभी ध्यान दो इधर चलो प्रैक्टिकल चैप्टर्स में कितने हैं सर? प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आप मान लो चार, चार मतलब ये भी तीन चैप्टर बड़े वाले हो गए और ये भी थोड़े बड़े चैप्टर लेकिन मजेदार है बहुत। आएगा करने में। लिखाओ सर प्रैक्टिकल चैप्टर के नाम लिखो पहला नाम पहला नाम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स

याद है क्या सर अरे याद है कि नहीं है पढ़ा था कि नहीं हे सर हमको तो नहीं याद हम तो पैसे देकर फाउंडेशन पास हुए हैं कोई बात नहीं तो रिडम्पशन में क्या होता था कंपनी अपने खुद के डिवेंचर बाय बैक करती थी याद है ना अरे वो डिवेंचर होते हैं शेयर्स होते हैं टेंशन मत लो नहीं आता ना मैं वापस बता दूंगा सबका मतलब ठीक है जब आएगा वो चैप्टर बता दूंगा हल्का हल्का सभी चैप्टर का नाम याद है क्या अंदर क्या था वो छोड़ दो चैप्टर में क्या होता था हम ऐसा मान लो लोन लिया किसी से तो वो लोन रीपे करना होता था ना तो हमने वो जो रीपेमेंट किया उसको बोलता था, था रिडम्शन ऑफ डिवेंचर्स बराबर वैसे ही होता है बाईबैक बस बाईबैक डिचर्स का नहीं इक्विटी शेयर्स का होता है बाईबैक होता है इक्विटी शेयर्स का ठीक है नहीं पता छोड़ दो मैं कराऊंगा आगे तो ये दूसरा हो गया तीसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और चौथा चौथा ब्रांच अकाउंट्स, ब्रांच अकाउंट्स। तो ये आपके दो पार्ट में सिलेबस को बांट दिया पहला पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको हम प्यार से बोलेंगे एएस और दूसरा पार्ट है प्रैक्टिकल चैप्टर्स दोनों का दोनों ही मजेदार है दोनों का दोनों ही स्कोरिंग है है ना काफी लोग ये भी पूछते हैं सर ये स्टैंडर्ड जो है अकाउंटिंग वाले ये थियोरी है या प्रैक्टिकल है भाई कोई थियोरी या प्रैक्टिकल नहीं होता है थियोरी क्या होती है थियोरी नहीं बोलने का नेगेटिव वर्ड है बोलने का कंसेप्ट है तो इसमें कंसेप्ट है और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है तो मजा आएगा तो यह मजा हो तो थ्योरी के प्रैक्टिकल है सब अच्छा है ठीक है तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ये है प्रैक्टिकल चैप्टर्स दो पार्ट में बांट दिया सिलेबस को ठीक है ये अलग से क्यों लिखा प्रैक्टिकल चैप्टर्स बिकॉज इस पर कोई ए एस नहीं है इस पर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है ये अलग से चैप्टर्स है बस ठीक है चलो <coughs> मैं सब याद करा दूंगा क्लास के अंदर ठीक है ये हो ए एस हो मैं सब क्लास में याद करा दूंगा टेंशन मत लेना आप अब सर आपको जैसे मैं लिखाऊंगा ना आपके मन में सवाल आएगा सर वेटेज क्या है ये कितने मार्क का आता है ये कितने मार्क का आता है हाँ अक्षत ने पूछ भी लिया मेरे बोलते पूछ लिया अक्षत अक्षत और मेरी सुच काफी मिलती है है ना अक्षत अपने बीच में काफी कोजी मोमेंट हो गया अभी यू नो द मीनिंग ऑफ कोजी 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 मोमेंट हो गया मेरा अक्षत के बीच में हाँ अक्षत चलो अच्छा। आ जाओ तो अपन इसका वेटेज देखते हैं अब वेटेज मैं बताऊं इससे अच्छा देखते हैं अपन आईसीए ने क्या वेटेज दे रखा है इधर आओ ये लो ये मेरा नहीं है आईसीए ने सेक्शन वाइज वेटेज दे के रखा है ठीक है पहला पेपर एडवांस्ड अकाउंटिंग 100 का ओके क्या बोलता है देख लो पहले दे रखा ज्ञान ए एस के ऊपर एक फ्रेमवर्क है वो सब क्या बताऊंगा मैं आपको मतलब मान लो ये पूरा ए एस वाला कैटेगरी है पूरा ए एस वाला देखो ए एस वन टू थ्री फोर फाइव देखो सिक्स नहीं है बीच में सिक्स, सिक्स और एट नहीं है बीच में सिक्स और एट बाकी सारे टिल ट्वेंटी नाइन यहां तक बराबर तो ये एस ए एस का वेटेज ये का वेटेज कितना दे रखा है, 55 से 65 मतलब जो है ना आपका कैटेगरी वाली कैटेगरी ये पूरी कैटेगरी ट्वेंटी सेवन एयर्स की जिसमें बिग चैप्टर्स भी आ गए अदर एयर्स भी आ गए इनका वेटेज कितना हो गया फिफ्टी फाइव से सिक्सटी फाइव परसेंट लगभग लगभग इसी काउंड रिवॉल्व करेगा मतलब आपके पेपर का ऑन एन एवरेज निकालो सिक्सटी परसेंट पेपर यहां से आएगा बराबर

मतलब वो जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स थे ना मैंने बाजू में लिखे थे चार वो चार मिला के वेटेज कितना हो गया मैं बोलू थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव परसेंट हो गया थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव परसेंट बराबर तो इधर इधर लिख देंगे अपन इसका वेटेज हो गया थर्टी फाइव से फोर्टी फाइव परसेंट क्लियर गया यस टेंशन मतलब निश्चित सब होगा समझा ये हो गया वेटेज तो सर हम एक काम करते हैं हम ये वाला अच्छे से कर लेंगे इसको छोड़ ही देंगे सर हम ये वाला अच्छे से कर लेंगे ये थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक कर लेंगे ऐसा मत करना हमारा टारगेट का 50 60 मार्क्स लाने का है क्या 50 60 चाहिएगा तुमको नहीं ना अपने को चाहिए 80 90 तो हम सब कुछ अच्छे से करेंगे बस बता रहा हूं कि वेटेज कितना है इसका ये मतलब नहीं कि ये छोड़ दिया ये अच्छे से किया या ये किया ये छोड़ दिया कभी नहीं हम सब अच्छे से करेंगे बस बता दिया ये सब पता कब काम आएगा जब आप पूरा सब्जेक्ट खत्म कर लोगे जानना होगा किसमें से कितना मार्क का आता है तो वो सब ऑनर आपको दे दिया मैंने क्लियर मेरे हीरो लोग चलो परफेक्ट तो ये आपका हो गया सिलेबस के रिगार्डिंग क्या तुमको यहां तक क्लैरिटी है टेंशन मत लो ये जो आई वाला भी है ना मैं जब नोट्स अपलोड करूंगा न, ना गूगल ड्राइव पे बताया ना आई विल अपलोड द नोट्स ऑन गूगल ड्राइव ये वाले भी तो उसमें मैं ये डाल दूंगा ठीक है तो आपको देखना बहुत तो आप देख लेना और अगर आप वेबसाइट पर जाओगे ना आईसीआई के तो ऐसे ही आपको लॉ का मिलेगा टैक्स का मिलेगा ग्रुप टू के सारे पेपर्स का भी मिलेगा ऑडिट का कॉस्टिंग का एस एम का सबका मिलेगा आपको yes. anyways, क्लियर है वाला पार्ट क्या हीरो लोग यस शिवम सेगल बोलते बिग फैन ए शिवम इज माई पास स्टूडेंट बताओ चलो एनी वे क्लियर वाला पार्ट क्या हीरो लोग ठीक है चलो तो ये अपना क्लैरिटी हो होगी सिलेबस को लेकर बोलो जैसे ही क्लियर हुआ बोलो डी जैसे ये लिखा बोलो डी डी बोलो डी इसका मतलब हो गया डन बोलो फटाफट से चलो बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया शानदार मज़ा आ गया गाइस ठीक है मज़ा आ गया ओके तो ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया सिलेबस के रिगार्डिंग पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग और जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो कितने प्यारे बच्चे सब लोग बोलते हैं डन 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 चलो बहुत बढ़िया यार मज़ा आ गया गाइस ठीक है अब हम क्या डिस्कस करेंगे आज सर आप आज को चैप्टर पढ़ाओगे क्या चैप्टर पढ़ाने के पहले मुझे आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है और वो क्या है बोलो मुझे चैप्टर पढ़ाने के पहले मुझे बतानी है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बराबर क्या चाहिए आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहिए बराबर तो वो दूंगा मैं आपको इधर आ जाओ एक सेकंड मुझे देखने दो आम, एक सेकंड देखने देना जस्ट यस चलो आ जाओ आप फॉर्मेट करेंगे इधर लिखना लिखो पहले लिखो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ठीक है बाई द वे इसके ऊपर एक चैप्टर अलग से है, इसके ऊपर एक चैप्टर है पता है चैप्टर कौन सा है ये वाला प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर इसका मतलब अब ये पढ़ा रहे हो हमको नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे को सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट डिस्कस करना है एज पर ए क्या होता है क्योंकि मैं जब कोई भी ए एस पढ़ाऊंगा ना तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बैलेंस शीट में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है कहां आता है मैं लिंकेज कराऊंगा आपको बराबर तो हम सिर्फ फॉर्मेट बना के रख लेंगे अभी सबको समझा बनाएंगे और हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे बनाएंगे और हल्का भुल्का डिस्कशन करेंगे बनाएंगे और हल्का भुल्का डिस्कशन कर लेंगे क्लियर है वाला बट आ जाओ तो हम डिस्कस करेंगे अभी फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ठीक है अच्छा द वे आपका बचपन पता कैसे गुजरा है आप कैसे बनाते थे बैलेंस शीट ये लिखी बैलेंस शीट लिखना मतना अभी सुनो मेरे को ये बैलेंस शीट लिखी ये इधर लिखा लाइबिलिटी इधर लिखा असेट इसको बोलते थे टी फॉर्मेट बराबर आ हा हा क्या जिंदगी गुजरे तुम्हारी बराबर तुम्हारी जिंदगी से तकलीफ है सी को बोलता है इतनी आसान जिंदगी बिताएगा ये ऐसे ऐसे बनाएगा नाम ना हटाओ हटाओ। क्या फॉलो कर रहे हो तुम हम तुमको एक प्रॉपर अच्छा देंगे बराबर तो ये का दिया है। आपके कंपनी थर्टीन आप पढ़ोगे ना लॉ में कंपनीज एक्ट हा उसमें दिया गया एक्ट का एक पार्ट है स्केड पूरा लिखता चलो थ्री ठीक है इसमें दो डिवीजन ऐसा मान लो इसमें दो डिवीजन है एक है डिवीजन वन जिसने आपको ए एस में फॉर्मेट क्या होता है वो बताया है एएस में बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस कैसा बनता है वो बताया और एक इसमें होता है डिवीजन टू डिवीजन वन और डिवीजन टू डिवीजन टू में वो सिखाता है कि इंडेस में कैसे बनता है बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बराबर डिवीजन टू में बताएगा कि इंडिया में कैसे बनता है बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस क्या हम यहां इंडिया क्या नहीं सर तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमारे सिलेबस में क्या है स्केड्यूल थ्री डिवीजन वन स्केड्यूल थ्री डिवीजन वन एएस का फॉर्मेट ये है हमारे सीए इंटर में और वो बाजू वाला होता था सी ए फाइनल में वो हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता हम सी ए फाइनल में थोड़ी ना है बराबर वैसे बताओ एक रास की बात डिवीजन टू के बाद डिवीजन थ्री भी होता है डिवीजन थ्री में एन बी एफ सी का फॉर्मेट दिया हुआ एन बी एफ सी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कुछ ऐसी कंपनीज जो बैंक ना होते हुए भी बैंक वाले काम करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एन बी एफ सी

टी फॉर्मेट की यादों को अपनी जिंदगी से मिटा दो उससे तुम्हारा ब्रेकअप कर दो कर दे सर ब्रेकअप नहीं सर दिल से कैसे निकालेंगे सर उसको निकालना पड़ेगा भाई निकाल दो उसको <laughs> चलो नहीं निकालोगे कोई बात नहीं ये याद रख लेना बस ठीक है तो मैं थोड़ा नीचे शुरू करूं क्या बैलेंस शीट फॉर्मेट इसको रखता हूं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा लिखो फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस लिखा ऐसा ठीक है तो ये मैं यहां ले चलो हो गया ये वाला पार्ट अब मैं एक एक करके पहले शीट का फॉर्मेट डिस्कस करूंगा और फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कस करूंगा ठीक है आ जाओ लिख दो हेडिंग दे दो बैलेंस शीट चलो पहले अपन बैलेंस शीट की बातें करेंगे फिर मैं आपको ब्रेक भी दूंगा ब्रेक के बाद देन आई विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा हाँ सर ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने आ जाओ तो आज के बाद <coughs> बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में नहीं बनेगी ठीक है तो इधर मैं मारा लाइन ठीक है इधर में मार रहा हूं लाइन तो बैलेंस शीट में वैसे दो कॉलम बनते हैं दो कॉलम ठीक है कौन से दो कॉलम सर एक बनता है आपका करंट ईयर का और एक बनता है आपका प्रीवियस ईयर का और यह होता है आपका पर्टिकुलर्स वाला कॉलम यह होता है आपका पर्टिकुलर्स वाला कॉलम ठीक है इधर बीच में एक छोटा कॉलम और बनाओ एक छोटा कॉलम और बनाओ और वो छोटे कॉलम को नाम दे देना नोट्स नोट नंबर छोटे कॉलम को नाम दोगे नोट नंबर पर्टिकुलर्स नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर ठीक है चलो अब हम क्या करते थे पहले हम इधर ऐसे टीप करके यहां लिखते थे, थे लाइबिलिटीज और यहां लिखते थे, थे असेट्स बराबर इन्होंने पता है क्या किया इन्होंने बोला टी मत बनाओ ऐसे ही करो पहले लिखो लाइबिलिटीज बराबर उसके नीचे लिख दो असेट्स। मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऐसा बाइफिकेशन मार के लाइबिलिटी असेट बोला लाइब्रिटी और असेट ऐसा लिखो नीचे तो लाइब्रेट के नीचे असेट लिख देना फिर समझा तो करके दिखाता हूं सबसे पहला लिखना इधर पहला ठीक है आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखा ओके सर नेक्स्ट अब इसमें सबसे पहले जैसे पहले लिखो रोमन नंबर वन इक्विटी लाइबिलिटीज फिर इसमें आएगा फर्स्ट उसका पहले वाले का नाम है शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड लाइन मारो लिख के लाइन मार देना अब इसके नीचे तीन चीजें आती है पहले हम फॉर्मेट लिख लेते फिर हम डिस्कस कर लेंगे चलेगा चलेगा सर तो इसके नीचे भी तीन चीज आएगी लाइन के लिखना अब लिखो ए लिखेंगे शेयर कैपिटल ठीक है फिर लिखो बी इधर आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस पहला हमने लिखा ए ए में हमने लिखा शेयर कैपिटल फिर लिखा बी बी में लिखा रिजर्व एंड सरप्लस फिर हम लिखेंगे सी सी फॉर हाँ लिखो इधर मनी रिसीव्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स ठीक है तो ये लिखा पहला दूसरा तीसरा शेयर कैपिटल रिजर्व सर प्लस मनी रिसीव अगेन शेयर वॉरेंट्स ये हो गया ठीक है फिर जैसे आपने ये लिखा था ना फर्स्ट फर्स्ट वैसे आप सेकेंड करके लिखोगे सेकंड, ठीक है सेकंड। चाहिए तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता तो आपको इजी हो जाएगा जानने के लिए तो जो मैं ब्लू लिख रहा हूं ना वो अंदर का कंटेंट है जैसे शेयर होल्डर्स के नीचे तीन आइटम बराबर तो मेन हेडिंग आई विल लेट इन ब्लैक वैसे एक और मेन हेडिंग आएगी अभी एक लाइन छोड़ के लिखता हूं लिखना शेयर एप्लीकेशन मनी शेयर एप्लीकेशन बनी पेंडिंग अलॉटमेंट शेयर एप्लीकेशन बनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्लियर लिखा सर ठीक है इसके अंदर कुछ कंटेंट आएगा नहीं 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 लिख के छोड़ दो उसके बाद क्या आएगा सर उसके बाद इतना थर्ड थर्ड नॉन करंट लाइबिलिटीज नॉन करंट लाइबिलिटीज लिखा नॉन करंट लाइबिलिटीज इसमें लिखो ए बी सी डी चार ए बी सी डी ए में हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सेकेंड लिखना डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज ब्रैकेट में लिखो नेट डिफॉल्ट टैक्स लाइबिलिटीज सी में लिखना अधर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अधर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और डी में लिखना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिखना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस चलो किसी ने बोला डॉल से याद किया है मैंने कि देखो डॉल कैसा बना डी ओ एल एल अरे याद मत करो भाई बैठ के अभी कुछ ठीक है आपके मन में लिखते हुए सवाल आ रहा होगा ना सर याद करना पड़ेगा क्या मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं ना जब तक मैं ना बोलू तब तक तो कोई भी एजम्सन लेना मत ऐसा नहीं कि सर नहीं बोले सर की नाम हा ही होगी है ना जैसे बोलते ना लड़की की में हा होती है सर की भी नाम कुछ मत करो भाई सिर्फ लिखो सिर्फ लिखो बस आ, उसके बाद फोर्थ ये हो गया नॉन करंट एक लाइन छोड़ के लिखो करंट अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है कोई बात नहीं यहां लिख दे हूं तो फोर्थ मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लू ये पूरा क्या जगह थोड़ी कम पड़ रही है ना गाइस अरे बहुत जगह है ठीक है लिखो करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज <coughs> अब इसमें भी चार एबीसीडी जैसे नॉन करंट में चार थे एबीसीडी वैसे करंट में भी चार एबीसीडी करो ए एबीसीडी ए बी सी डी ए में आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग बी में आएगा ट्रेड पेबल्स सी में आएगा अधर करंट लाइबिलिटीज अधर करंट लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस ये लिखा चार, ठीक है तो देखो पहले हमने लिखा शेयर होल्डर्स फंड्स उसमें तीन लिखा फिर सेकंड लिखा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बराबर उसके बाद फिर हमने क्या लिखा उसके बाद हमने लिखा नॉन करंट उसमें ए बी सी डी फिर करंट उसमें ए बी सी डी बराबर क्या लिख लिया सर इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर कर दूं ताकि आपको बायफिकेट करने में आसानी हो जाए स्टाइल लो ब्लू लो, ठीक है ये हो गया आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी वाले तरफ का टोटल बराबर तो लिख दो टोटल, 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 टोटल ले लिख टोटल। टोटल। टोटल लिख है बेटा ठीक दिया, लिखा ठीक है अब नॉर्मली हम क्या करते थे असेट बाजू में लिखा करते थे यहां ऐसा नहीं है यहाँ असेट शुरू ही नीचे से होएगा अभी इसके तो अब चालू होएगा असेट्स बराबर तो अब हम लिखेंगे सेकेंड करके लिखो ऐसा असेट्स सर, सेकेंड क्यों क्योंकि पहला आपने लिखा लाइबिलिटी ना इक्विटी लाइबिलिटी सेकेंड लिखेंगे असेट्स बराबर यस सर चलो असेट भी लिखाई दू आपको फिर इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी सी ठीक है सर आप लिखो अब असेट्स में सबसे पहला आप लिखोगे करंट असेट सबसे पहला हम लिखेंगे नॉन करंट अट्स ठीक है अब इसमें भी ए बी सी डी ई तक है इसमें पांच है बट ए के अंदर मल्टीपल है जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो ए लिखोगे ए ब्लू में लिख रहा हूं ठीक है ए ए में ही चार है ए में वन टू थ्री फोर ऐसा चार ए में फिर बी सी डी ई ऐसा आएगा तो ए में है सबसे पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बराबर उसके बाद है इनटेंजेबल असेट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फिर है इनटेंजेबल असेट्स फिर क्या है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फिर है इनटैंजेबल असेट्स इनटैंजेबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन टेंजेबल असेट्स कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस फिर है इनटेंजेबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट लिखा लिखा सर अब लिखो बी बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अब लिखो सी डिफर्ड टैक्स असेट्स डिफर्ड टैक्स असेट्स ब्रैकेट में लिखेंगे नेट फिर आएगा डी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और फिर आएगा ई में आएगा अधर नॉन करंट असेट्स अधर नॉन करंट असेट्स सर कितना तो सारा हो गया इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब हो जाएगा याद ठीक है <coughs> लिखा चलो नेक्स्ट इज फर्स्ट आर नॉन करंट असेट्स फिर सेकेंड इज करंट असेट्स सेकेंड इज करंट असेट्स बराबर करंट असेट में ए, बी, सी, डी, ई एफ तक है ए बी सी डी ई एफ ऐसे एफ तक है फिर खत्म बैलेंस शीट ठीक है तो लिख लो इसमें आता है करंट इन्वेस्टमेंट्स करंट इन्वेस्टमेंट्स फिर आएगा इन्वेंटरीज, फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स फिर आएगा इन्वेंटरीज फिर आएगा ट्रेड रिसीवेबल्स फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बराबर फिर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फिर आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फिर आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और लास्ट आएगा अधर करंट Assets. फिर आएगा अधर करंट अट्स बस खत्म फिर आ जाएगा टोटल एंड ऑफकोर्स आपके बैलेंस शीट के असेट साइड और लाइब्रेरी साइड दोनों का टोटल मैच करना चाहिए तभी तो हम चिल्लाते अरे हाँ हाँ मेरेकल टैली होगी बैलेंस शीट बोलते हैं ना अपन अरे हाँ हाँ मेरेकल वो कल हो जाएगा फिर टाली हो जाएगा तो अपना सपना बचपन का बैलेंस ही टाली करते ना भगवान आ? भगवान क्या करेगा तुम ही करोगे Anyways, लिखा क्या ही लिखा ये बोलो लिख के हुआ तो डी करके बोलो डी बोलो डन डन, डन 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 डी करके लिखो अगले पांच मिनट में ब्रेक आने वाला है भाई तो लगा दो एनर्जी फिर आ, डन सर डन चलो रसदा तुषार स्नेहल चलो गना शक, गनाना शक्ति व्रज मुरारी कुणाल ध्रुवल माही सिद्धार्थ अंशुमन सबने बोला अर्नब अर्नब नाम देखो ना भाई बढ़िया अर्नबन टू नो चलो एनी विशाल सैय कैजान सिद्धार्थ हिमांशु चलो हैं बढ़िया कविता बढ़िया डन ठीक है अब सुन लो मेरी बात आप जब ये लिख रहे रहोगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मन में एक सवाल ऐसा आया कि सर ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है डिफिकल्ट लग रहा है सर हमको कैसे याद होएगा है ना अब इसमें कौन सा आइटम आएगा इसमें कौन सा आइटम आएगा इसमें कौन सा आइटम आएगा इसमें क्या आएगा हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर ये तो अजीब लग रहा है भाई टेंशन मत लेना पता है क्यों क्योंकि हम जब एडवांस अकाउंट्स पूरा पढ़ेंगे ना हम इसी की चर्चा करने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल अब ये जो मैंने असर साइड में लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ठीक है अब इसमें क्या क्या आएगा यह हमको कैसे मालूम पड़ेगा यह क्या है कैसे मालूम पड़ेगा इसके ऊपर एक ए एस है ए एस टेन नहीं मानते दिखाता हूं देखो ए एस टेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यह बताएगा कि वो बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कौन से वैल्यू पे दिखाना है कब दिखाना है कौन सी कौन सी चीजें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहलाई जाएगी फॉर एग्जाम्पल देता हूं फॉर एग्जाम्पल इन्वेंटरीज ये इन्वेंट्री में क्या आएगा ये इन्वेंट्री होती क्या है? इसके बारे में कौन बताएगा ए एस टू इन्वेंट्री तो अच्छा एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूं इन्तेंजिबल असेट्स, इन्तेंजिबल असेट्स। बराबर इसके बारे में कौन बताएगा ए एस ट्वेंटी सिक्स इधर ए एस ट्वेंटी सिक्स अच्छा सर इसका मतलब हमको यह समझ आया कि हम इसके बारे में चर्चा रिस्पेक्टिव इंडेस में रिस्पेक्टिव एस में करेंगे हाँ भाई हाँ अब समझ में आया सर एग्जांपल एक बार दू क्या एक और एग्जांपल दो सर जैसे लाइबिलिटी में ये डिफॉल्ट टैक्स लाइबिलिटी ये डिफॉल्ट टैक्स लाइबिलिटी कहां पढ़ेंगे ए एस ट्वेंटी टू में पढ़ेंगे ए एस अकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ऑन इनकम डिफॉल्ट टैक्स के बाद इसमें होएगी अच्छा सर समझा अभी हमको हाँ तो अब अगर बैलेंस शीट देखकर मैं अभी चर्चा करने लग जाऊँ कि इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा इसमें क्या आएगा कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको भाई आप बोलोगे सर आपने इतना सारा एक खास बता दिया समझ ही नहीं आया कुछ तो आपको क्या करना है पता आपको लिखना था सिर्फ ये पर क्यों लिखा है पता आपको मैंने जब मैं कोई सपोज चैप्टर पढ़ाऊंगा सपोज मैंने ए एस टू पढ़ाया इन्वेंट्रीज तो जब मैं ए एस टू पढ़ाऊंगा तो आपको सबसे पहले मैं यही फॉर्मेट खोल के बताऊंगा कि देख ए एस टू किधर आता है बैलेंस शीट में करंट एसेट में यहां आता है इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री यहां आती है तो पहले अपने को समझा अच्छा इन्वेंट्री हमारी आ रही है बैलेंस शीट के असेट साइड में इसके बारे में पढ़ा भी आपने पता है इन्वेंट्री के लिए फीफो वेटेड एवरेज सर बचपन की याद है सर हाँ तो वो यहां आता है तो मैं लिंकेज कराऊंगा बेसिकली तो मुझे ये फॉर्मेट लिंकेज कराने में काम आएगा सर आप स्मार्ट तो हो सर हाँ आ, भाई इसलिए बता रहा हूँ मैं तुमको तुमको समझा इसका मतलब मैं ऐसा ऊपर बैलेंस शीट के यहाँ के इधर लिख दूँ कि बैलेंस शीट के हर आइटम के बारे में हम रिस्पेक्टिव ए में डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के मैक्सिमम आइटम्स के बारे में हम रिस्पेक्टिव ए में डिस्कस करेंगे चलो ये तो मैं लिखा देता हूँ फिर आ जाओ इधर किधर जगह होगी तो लिख लो ना यार थोड़ा सा एडजस्ट करके जगह बना लो हाँ सर यहाँ जगह बन रही है मेरे लिए लिखना मैं यह आपके रेफरेंस के लिए लिखा रहा हूं हिंदी में लिखो बैलेंस शीट के एक एक आइटम के बारे में हम रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डिस्कस करेंगे <coughs> किसी ने पूछा सर हमारे फाउंडेशन के अकाउंट्स का यूज होगा अकाउंट्स आपने फाउंडेशन का एलेवेंथ ट्वेल्थ में पढ़ा है वो भी यूज होता है बट मैं मान कर जाऊँगा आप कुछ नहीं आता है तो आई विल टीच यू फ्रॉम द बेस मतलब कोई किसी का जनरल इंट्रेस्ट वीक है लेजर बनाना वीक है वो सब मैं सिखाऊंगा टेंशन मत लेना जहाँ जहाँ नेसेसरी सब सिखाऊंगा मैं मानूंगा आपको कुछ भी नहीं आता है ठीक है चलो तो बैलेंस शीट के एक आइटम के बारे में हम रिस्पेक्टिव ए में डिस्कस करेंगे क्लियर ठीक है फिर भी मैं जाते जाते थोड़ा सा एक आपको बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ ठीक है बैलेंस शीट में देखो पहला एलिमेंट किया था इक्विटी एंड लाइबिलिटी देखो इस तरफ दो तरह के लोग होते हैं एक जब हम अपने ओनर्स से पैसा लेते हैं ओनर्स मतलब कंपनी के मालिक है ना फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का मालिक कौन है रिलायंस का मालिक मुकेश हु अरे मुकेश अंबानी मान लो मालिक है तो जब मालिक कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के अंदर उसको बोलेंगे शेयर होल्डर्स का फंड मतलब जब पैसा ओनर से लिया जाता है वो यहां आता है शेयर कैपिटल ओनर का जो पैसा बचा हुआ है वो यहां दिखता है रिजर्व सरप्लस वो सब यहां होता है आपने पता है शेयर एप्लीकेशन बनने के बारे में फाउंडेशन के अंदर पढ़ा था नहीं पता कोई बात नहीं छोड़ दो अपन पढ़ेंगे वापस जहां वहां पढ़ लेंगे अपन तो ये सब होता है ओनर का पैसा मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो इक्विटी शब्द है इक्विटी मतलब ओनर का पैसा लाइबिलिटी मतलब बाहर वालों का पैसा जैसे सपोज अब मुझे पैसा चाहिए

बराबर अब इसमें एक एक एलिमेंट का बात अभी नहीं कर रहा मैं जब करूंगा तो नेसेसरी होगा मैं कर लूंगा जैसे इसमें रिजर्व सरप्लस होता है रिजर्व में क्या होता है जो कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है उसका जमा हुआ बैलेंस ये यहाँ जमा होता है जो कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाती है उसका बैलेंस यहाँ जमा होता है ऐसा तो वो बैलेंस किसको बिलोंग करता है ओनर को बिलोंग करता है ना मेरे कंपनी ने प्रॉफिट किया पैसा मेरे को ही मिलेगा ऐसा बराबर लाइब्रेटी में क्या होता है बाहर वालों का पैसा आता है अब लाइब्रेटी में दो है एक है नॉन करंट एक है करंट

स मुझे उनको पेमेंट करना पड़ेगा लाइबिलिटी मतलब मैंने घर वाले से उधार लिया है मेरे को उनको पेमेंट करना पड़ेगा अब इसमें दो है नॉन करंट और करंट तो नॉन करंट हम किसको कहेंगे हाँ मुझे कहा विराज अक्षत कैजान ने कहा कि सर नॉन करंट मतलब ऐसे लोग जिनको हमको ट्वेल्व मंथ्स के बाद पे करना है हाँ ये बेसिक मतलब हो गया इसका ये बेसिक मतलब हो गया इसका नॉन करंट मतलब जिसको हमको ट्वेल्व मंथ्स के बाद पे करना है करंट मतलब जिसको हमको ट्वेल्व मंथ्स के अंदर पे करना है ओ हो 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 ये कर लो सर पहले आप समझा क्या नॉन करंट मतलब जिसको पे क्यों करना है लाइबिलिटी है ना इसलिए पे करना है बराबर तो नॉन करंट मतलब बारह महीने से ज्यादा वाला लाइबिलिटी करंट मतलब बारह महीने से कम वाला लाइबिलिटी सबको समझा तो बेसिक मतलब मैं आपको लिखा दू इसका वैसे डिटेल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जिधर आएगा मैं डिस्कस करूंगा अभी मैं नहीं बात कर रहा अभी मैं सिर्फ थोड़ा बेस पॉइंट ऑफ लिखा रहा हूं कि ये मोर देन वाला होता है बराबर करंट मतलब विद इन टूवेल्व मंथ्स लेस देन टूल्व मंथ्स वाला होता है इसमें वैसे बहुत सारी चीज़ें आती है आपको पता है मैं भी उसकी बातें नहीं कर रहा हूँ मुझे पता है काफी लोग चैट बॉक्स में मेरे से आगे वाली बातें भी कर रहे हैं जितना मैंने बताया उससे भी एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं बट मैं नहीं बात कर सकता उस बारे में अभी क्योंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं मैं मानकर चल रहा हूँ किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है अब काफ़ी बच्चे मुझे बोल भी रहे सर इस पे डिटेल में बात कर लो इस पे डिटेल में बात कर लो देखो मेरा एक फ्लो है पढ़ाने का मैंने क्या बोला यू हैव टू ट्रस्ट मी बराबर तो अभी मैं सारी बातें करने लग जाऊंगा ना सब खिचड़ी बन जाएगी तो मैं जितनी बातें कर रहा हूँ

चैप्टर में आएगा क्लियर ठीक है सर सिमिलरली अट साइड में आओगे तो अस्सेट साइड में दो ही है लाइब्रेटी में कैसा कितना सारा था लाइब्रेटी में पहले तो ओनर का पैसा शेयर होल्डर्स फंड फिर बाहर वालों का पैसा लाइब्रिटीज उसमें नॉन करंट करंट वैसे ही असैट में कितना है असट में दो ही है नॉन करंट और करंट अब जैसे लाइब्रेटी में क्या होता है पे करना होता है लाइबिलिटी इज लाइक अ नेगेटिव थिंग फॉर अस क्या लाइबिलिटी है सर पे लाइब्रिटी बो है सर के ऊपर पॉजिटिव थिंग like अच्छी बात होती है अपने लिए अरे बोलो ना असेट अच्छी बात है असेट आपके पास है तो असेट में कुछ दिख रहा है तो इज एट अविंग अच्छी बात है, है? ना तो अच्छी बात है फायदा है हमारे असेट असट है तो बस मैं भी यही कह रहा हूं असट होना अच्छी बात है हाँ अच्छी बात है सर तो अगर मैं कोई आइटम नॉन करंट में लिख रहा हूं इसका मतलब ये असट का फायदा मुझे या तो 12 महीने के बाद मिलेगा या बारह महीने से ज्यादा मिलेगा सर क्या बोला वापस बोलो सर कोई चीज अगर नॉन करंट में आएगी तो यहां मुझे आपने बोला ये अच्छी चीज है ना तो इसका अच्छापन इसका फायदा या तो महीने के बाद मिलेगा या बारह महीने से ज्यादा समय के लिए मिलेगा मतलब इसका फायदा ट्वेल्व मंथ के ओवर तक जा सकता है तो नॉन करंट करंट मतलब जिसका फायदा आपको सिर्फ बारह महीने के अंदर अंदर ही मिलने वाला है उसको बोलते करंट मैं बोलूँ ये मैं एकदम लेमैन हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ ऐसा पॉसिबल है इसके बहुत होता है ना एकदम टेक्निकल डेफिनेशन हो सकते हैं वो आपने थ्री डेट्स मूवी देखी है तो बोलते हैं डिफाइंड मशीन है ना तो वो चतुर रहता है वो चतुर रहता है बताता है फटफट डेफिनेशन फट, फट, कि मशीन इज अत ऑब्जेक्टिव ये वो वो करके बताता है फिर वो पूछता उससे आमिर खान से मशीन क्या है तो बोलते हैं पेन की निप से लेकर पेन की जिप तक सब मशीन है सर वो एग्जाम्पल दे रहा है लेमेन वाले तो अपने बोलता हाँ, हाँ, मशीन है सर मैं भी यही कह रहा हूं मैं तुमको एकदम लेमेन का एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी तो पढ़ के मैं ऐसा ही होता है क्या है ना हाँ मैं आपको किताब की डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं मैं वो डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको समझ आएगी फिलहाल किताब की डेफिनेशन रिस्पेक्टिव चैप्टर में दूंगा इसका चैप्टर कौन सा है सर इसका चैप्टर आएगा प्रिपेरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं अभी वो नहीं करा रहा हूँ मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मैं कोई भी चैप्टर कराऊँ ए एस में कुछ भी कराऊ मुझे खोल के दिखाने पड़ेंगे आपको तो फिनेंशियल का बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना फिनेशियल कैसे बनता है क्या आता है उसके अंदर बस इतना मालूम होना चाहिए समझा मेरी बात यस yes, सर चलो तो ये आपको मैंने बताया नॉन करंट असट मतलब क्या करंट असर्ट मतलब क्या सेम चीज़ जस्ट अ लाइबिलिटी मोर देन मंथ्स तो नॉन करंट लेस देन मंथ्स तो करंट सिंपल तो अगर एक वापस ओवरव्यू व्यू दू बैलेंस शीट शुरुआत असेट से करें कि लाइब्रेरी से करें तो शुरुआत हम इक्विटी और लाइब्रेरी से करेंगे बराबर किसी भी धंधे में सबसे पहले आते ओनर्स उसको बोलते हैं शेयर होल्डर फंड उसमें तीन आइटम फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बराबर फिर आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब बाहर वालों का पैसा जिसको रिपे करना बारह महीने के बाद फिर आएगा करंट लाइबिलिटी बाहर वालों का पैसा जिसको रिपे करना बारह महीने के अंदर ठीक है अच्छा फिर असेट्स पहला आएगा नॉन करंट असेट बहुत सारी चीजें जिसका बेनिफिट मिलेगा मोर देन टवेल्व मंथ्स तक बेनिफिट क्यों मिलेगा अट है ना अच्छी बात है अपने लिए है ना और फिर आएगा करंट असेट्स जिसका बेनिफिट मिलेगा फॉर लेस देन टूल्व मंथ्स करंट अभी फिलहाल घर पे बैठ के हमको फॉर्मेट याद नहीं करना है नो नीड टू रिमेंबर द फॉर्मेट एज ऑफ नाउ मेरी गारंटी है एडवांस अकाउंट्स खत्म होते होते ये फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा मेरी गारंटी है फर्स्ट डे पे याद करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है रट्टा मार सकते हो मेमोनिक बना लो सी आई टी सी एस ओ मज़ा नहीं आएगा भाई मैं रट्टा मारने वाली चीजें नहीं करवाता भाई मैं पढ़ाऊंगा कंसेप्चुअली वक्त के साथ अपना आप याद हो जाएगा मेरी गारंटी है तो आप अभी इसको याद करने नहीं बैठोगे ठीक है चलो यस तो ये वाले बैलेंस शीट कौन बनाएगा जिसको भी ए एस अप्लीकेबल है वो बनाएगा सिंपल चलो मैं आगे बढ़ू चलो सर आगे का बैठ रो ब्रेक दो ना यू गाइस डिजर्व अ गुड ब्रेक हम लेंगे ब्रेक सर ब्रेक के बाद क्या बातें करने वाले हो जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का एक ओवरव्यू बताया ना वैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस का ओवरव्यू दूंगा आपको ठीक है ओवरव्यू ही दूंगा डिटेल में चर्चा क्यों नहीं करोगे क्योंकि वो कहाँ आएगा रिस्पेक्टिव चैप्टर में आएगा ठीक है, है तो बस पेशेंस बनाए रखना ये अप, मुझे पता अपने को होता है कि सर आज ही सब बता दो सर लेकिन एक दिन में मैं 200 घंटे का सिलेबस कैसे बता दूँ ना तो समय लगेगा ठीक है किसी ने कहा इतना जल्दी ब्रेक इसको मैं कॉम्प्लीमेंट की तरह दूँगा क्योंकि रोज ब्रेक इसी समय पे होगा तो अगर आपको लग रहा है कि वक्त का मुझे पता ही नहीं चला तो अगर आप मुझे इस तरीके से घंटा सुन सकते हो तो आप मुझे 200 सौ ढाई सौ तीन सौ घंटा जितना भी हो जिंदगी भर सुन सकते हो ठीक है तो चलो अब हम लेंगे बढ़िया सा सा छोटा ब्रेक मजा आया कि नहीं पहले ये बताओ बोलो मजा आया सर मजा आया अरे आज तो शुरुआत है जैसे जैसे अपनी नजदीकियां बढ़ेगी मजा तो और आएगा ए ही सर रहा नहीं जाता चलो मजा आ गया सर ठीक है बहुत मजा आया बहुत मजा आया अरे अभी तो मैं बता मजा आया नहीं तुमको शुरू होने दो तो चैप्टर वैप्टर फिर आप बोलोगे क्या मजा आ गया सर आ? चलो एनी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हम करेंगे बढ़िया सा रिज्यूम ठीक है पंद्रह मिनट का ब्रेक लेंगे अभी हो रहा है फोर थर्टीन पी ठीक है तो आप टाइम से आ जाओ मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको ठीक है ये स्कैम मैं रोज दूंगा तुमको ठीक है टाइम से जल्दी छोड़ दूंगा जल्दी छोड़ूंगा नहीं लेकिन तो आप एग्जैक्टली मिनट बाद 428 PM को आ जाना, ठीक है? सर आप पूरा करते हो अरे मेरे मेरे माइंड में बैठा होता है भाई अपन अपन, रहते हैं तो अपने को सब याद रहता है ठीक है एनी चलो क्लियर सीट द ब्रेक मस्त नहा दो शार्प आ जाना तुम नहीं आओगे तो मैं घर पे आकर तुमको बिठा के जाएगा ठीक है चलो बाय बायू आ गया के फिर से चलो शुरू करेगा शुरू क्या कंटिन्यू करेगा जल्दी से बोलो और नो और नो अरे नो नो अरे टू चालू करे चलो सो गाइस वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गाइस शुरू करेगी बोलो यस और नो, नो।, 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 so, नो। तुम्हारा बच्चा तुम तो नो बोल के बंद करवा दो क्लास भाई यस आ जाओ आ जाओ यस हाँ चलो तो क्या डिस्कस किया मैंने आपके साथ बैलेंस शीट का मीठा मीठा एकदम तुम्हारे जैसा प्यारा प्यारा फॉर्मेट ठीक है वापस से बताओ याद करना है क्या सर अभी नहीं वक्त के साथ याद हो जाएगा ठीक है ऐसा कहते हैं ना प्यार का असली मतलब क्या है सर वक्त के साथ समझ जाओगे सर सेम बैलेंस शीट है समझ आया सर इधर ले चलो आगे आगे बढ़ रहा हूँ मैं इसको मैं थोड़ा ऊपर ही ले जाता हूँ एक सेकंड दे देना बस इसको क्या है, थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा तो सही हो जाएगा चलो अब बैलेंस शीट के बाद कौन सा फॉर्मेट डिस्कस करना था रे मैं भूल गया मैं बड़ा भुलक्कड़ आदमी हूं भाई बताओ बैलेंस शीट के बाद किसका नंबर आएगा किसको लाइन में आने बोलेंगे हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस चलो लिखना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल प्यार से बोले पीएनएल पीएनएल चलो ठीक है आ जाओ अब इसमें भी वही तीन चार कॉलम बनाएंगे अपन प्रीवियर करंट या नोट्स और पर्टिकुलर्स अच्छा भाई तभी आपने पूछा नहीं मुझे ये नोट नंबर में क्या आता है सर ये पता है इसमें क्या आता है नोट नंबर में सपोज फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में एक नहीं चार पांच बोरिंग है बोरिंग मतलब लोन लेना तो सपोज चार पांच जगह से लोन लिया आपने तो यहां अपन एक लमसम अमाउंट दिखाएंगे टोटल चार पांच का टोटल कितना है चार पांच जो लोन लिए टोटल कितना है इसकी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स हम देंगे नोट अकाउंट्स के अंदर मतलब नीचे एक वर्किंग नोट की तरह देंगे ऐसा मान लो दिस नोट नंबर इज नथिंग बट अ वर्किंग नोट एक तरीके का, का वर्किंग नोट है वो जो हम देने वाले हैं समझा दिस इज वॉट इज अ नोट नंबर नोट अकाउंट्स ठीक है is is number, चलो कोई बात नहीं आपको नहीं पता फर्क नहीं पड़ेगा आपन उसको डिस्कस कर लेंगे अब पहले हम मीठे मीठे प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं चलो यहाँ भी कॉलम बनाएंगे थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ बन गया प्रीवियस ईयर ये बन गया करंट ईयर ये बन गया नोट का नंबर और इधर बना देंगे पहला वाला प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है चलो पहले कॉलम में लिखो पर्टिकुलर्स चलो उसके बाद लिखो नोट नंबर मतलब किसी भी आइटम में अगर बहुत सारी चीजें है तो उसका अपन वर्किंग नोट देंगे नीचे फिर आएगा करंट ईयर और फिर आएगा प्रीवियस ईयर अच्छा मैं एक चीज तो भूल ही गया ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट भी किसने दिया रहेगा जैसे बैलेंस का किसने दिया था? दियाड्यूल थ्री तो का डिविजन वन वेरी गुड स्केड का डिवीजन वन ठीक है चलो अच्छा किसी ने बढ़िया सवाल पूछा है सर या कंपलसरी है क्या हाँ कंपैरिजन के लिए होता है ये जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते जो ओनर्स होते उनको मालूम पड़ना चाहिए ना प्रीवियस ठीक है? चलो पर्टिकुलर्स, पहले हम किससे शुरुआत करें तो हम पहले रेवेन्यू से शुरुआत करेंगे रेवेन्यू, विल शार्ट विद रेवेन्यू तो ऐसा लिखना मेरे साथ सबसे पहले आपका आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ठीक है सर इसका मतलब क्या होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है जो आपके मेन बिजनेस की इनकम है है ना फॉर एग्जाम्पल मेरा मेन धंधा क्या है बताओ मेरा मेन बिजनेस क्या आप लोग बताओ बताने का जल्दी से बताओ क्या है मेरा मेन बिजनेस वेरी गुड टीचिंग करना सर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो टीचिंग से पैसा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ओ हाँ बराबर आगे दूसरा रेवेन्यू के बाद आएगा अधर इनकम सर अधर इनकम का मतलब मेन धंधा छोड़ के जो छोटी मोटी इनकम में कमाता हूँ अदर इनकम फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग तो करता हूँ है ना लेकिन मैं जो टीचिंग से पैसा कमाता हूँ उसकी मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट करके कर रखी है बैंक में क्या कर रखी है एफडी कर रखी है एफडी करने से मुझे क्या आएगा वो तो हर साल मुझे बैंक क्या देगा मैंने बैंक में एफडी करके कर कर रखी है फिक्स्ड डिपॉजिट पता है ना बराबर तो मुझे बैंक वाला हर साल क्या देगा, हाँ, देगा। तो वो इंटरेस्टर इनकम लेकिन दिया इन्वेस्टमेंट किया फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे पड़े थे तो मैंने पता क्या किया रिलायंस के शेयर में डाल दिए और उसमें से मुझे थोड़ी इनकम हुई रिलायंस ने मुझे डिविडेंड दिया जब रिलायंस के शेयर मैंने बेचे तो उससे मुझे थोड़ा पैसा मिला वो भी मेरी अदर इनकम है क्योंकि वो धंधा नहीं है मेरा करना फिर भी मैं करके पैसा कमा रहा हूं ना अदर इनकम समझा क्या ठीक है ऐसा बहुत सारा हो सकता है ऐसा अपन रोज भर के खिलाफ कूदी कर सकते हैं ठीक है सपोज फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल दू जैसे नमन है नमन आया मेरे पास ठीक है नमन बोला सर एक मस्त स्कीम है इक्कीस दिन में पैसा डबल मैं बोला हा बोलता हाँ तो मेरा बोला नमन कैसे नमन बोलता है ये लॉटरी की टिकट खरीद लो सर बढ़िया पैसा मिलेगा मतलब नमन सच्ची मैं नहीं मानता सच्ची नमन बोलता हाँ सर सच्ची मैंने लॉटरी की टिकट खरीद ली इक्कीस दिन के बाद मेरी पूरी की पूरी लॉटरी लगी पांच सौ रुपए की वो इनकम जो ही अदर इनकम <laughs> समझा मैंने क्या बोला यस चलो <coughs> तो ये सारा अदर इनकम आपका आ जाएगा धंधा छोड़कर बाकी जो इनकम है अदर इनकम ठीक है सर तो ये इसको आप बोल दिया वन इसको आप बोल दिया टू ये दोनों मिला के बनती है टोटल इनकम तो लिख देते टोटल इनकम कैसे आई टोटल इनकम ऐसा लिख देना वन प्लस टू ये जो है ना ये वन रेवेन्यू और सेकेंड चलो टोटल इनकम ये अपना इनकम साइड हो गया हा? जैसे आपको पहले प्रॉफिट लॉस ऐसे बनाते थे ये अपना ये अपना बराबर, तो अपना इनकम साइड हो गया सच्ची सर सर सच्ची हो गया मैं नहीं मानता हाँ मान लो यही है भाई ठीक है चलो आगे बढ़ रहा हूं अब जैसे इनकम साइड हुआ क्या करना पड़ेगा अभी बनाना पड़ेगा एक्सपेंस वाला कॉलम तो दे दो नंबर चार एकस्पेंसेस। अब एकस्पेंसेस में ढेर सारे हैं बराबर क्या अच्छा किसी ने अच्छा सवाल पूछा सर एएस एस के लिए भी मतलब पीएनएल के लिए भी एएस एस करता करते हैं क्या हाँ जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसके लिए भी एएस है बराबर अदर इनकम जो कमाते हैं उसके लिए भी एएस है ऐसे तो है इसके लिए भी एस जैसे बैलेंस शीट के हर आइटम के लिए ए एस है इसके लिए भी मैक्सिमम ए एस एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ध्यान रखना चलो एक्सपेंसेस पहला एक्सपेंस कौन सा आता है सुन लो पहला लिख लेते हैं अपन थोड़े एक्सपेंसेस लिख लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं आज सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पहला आइटम है ठीक है चलो मैं इसी को पहले डिस्कस कर लेता हूँ एक एक लिखते डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा ब्लू में कर दूंगा ताकि मालूम पड़ेगा इसके अंदर का आइटम है वट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड समझने का ट्राई करना ठीक है <coughs> मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है आजू बाजू में इधर एग्जाम्पल दे रहा हूँ सुन लेना सपोज मैं अपना पता है मेरा एक हिडन बिजनेस है क्या सर ये जो कोट है ना कोट बनाता हूँ मैं ये सच्ची मजाक कर रहा हूँ है ऐसा मान लो है ठीक है तो मेरा है ना ए के गारमेंट्स कितना अजीब साउंड करता है ना गारमेंट्स तो मेरा धंधा है ए के गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड मैं पता क्या करता हूँ इसमें मैं टी शर्ट्स शर्ट कोट शादी का आपका जोड़ा है ना वो बोलते हैं ना मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनना है सर शादी में वो सब मैं ही बनाता हूँ मनीष मल्होत्रा को मनीष मल्होत्रा बनाया कौन अरे मुझे पता है किसने बनाया सुनो तो इधर मैं क्या करता हूं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं ठीक है अब मैन्युफैक्चरिंग के तीन स्टेजेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या मैं मेरे फैक्ट्री में खुद बनाता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग के तीन स्टेज होते हैं पहला स्टेज अगर मुझे शर्ट बनाने का है या कोट बनाने का है तो बताओ मुझे क्या क्या लगेगा बताओ बताओ मुझे क्या क्या चाहिए रहेगा अगर मुझे कोट बनाना है क्या क्या चाहिए रहेगा वेरी गुड सर धागा चाहिए रहेगा सर कपड़ा चाहिए रहेगा ठीक है बेसिकली उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल मुझे चाहिए रहेगा मैं लिखता हूं टी शर्ट शर्ट कोट है ना जो भी सूट वो खेलते बैठे उसके अंदर तो पहला मेरे को चाहिए रहेगा रॉ मटेरियल ये सब बनाने के लिए चाहिए रहेगा रॉ मटेरियल इसमें वो थ्रेड आ गया, आ गया गया क्लॉथ बहुत सारी चीजें आती है मैं लिख दूंगा ठीक है एग्जाम्पल थ्रेड क्लॉथ एक्सेट्रा उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल फिर इस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं मशीन में डालेंगे कपड़ा बनाएंगे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे है ना उसको प्रोसेस करते हैं हम लोग ठीक है सर हमको यह बनाने के लिए मशीन भी लगेगी मशीन की बात नहीं कर रहा मैं बराबर मैं सिर्फ जो सामान लगेगा उसकी बात कर रहा हूं थ्रेड क्लॉथ एक्सेट्रा ठीक है फिर इसको हम मैनुफेक्चर करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन करेंगे तो इसको बोल दो आप रॉ मटेरियल लिया इसमें आपने कन्वर्जन या प्रोसेसिंग किया कन्वर्जन प्रोसेसिंग किया प्रोसेसिंग मतलब वो आदमी आया बोला सील के दे ऐसा ऐसा सिलाई कर रहे हैं अब ये जो सिलाई वाला स्टेज जब तक होता है तब तक इसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्या बोलते हैं इसको वर्क इन प्रोग्रेस जब तक ये रेडी ना हो मतलब काम शुरू हो गया बना नहीं है जैसे अभी तुम लोग हो तुम एज अ स्टूडेंट हो वर्क इन प्रोग्रेस ऐसे कैसे देखो सीए शुरू कर चुके हो खत्म नहीं किया है तो पहले चालू करने के पहले यू आर रॉ मटेरियल अब तुम विद इन घुस चुके अंदर है ना ये नदी में तुम डुबकी मार चुके हो दर्क इन प्रोग्रेस अब समझ आया तो ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस फिर जैसे वो रेडी हो जाएगा जैसे वो रेडी हो जाएगा रेडी होने के बाद ये बनेगा फिनिश गुड्स रेडी होने के बाद क्या बनेगा फिनिश गुड्स बनेगा तो एक होता है रॉ मटेरियल एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस इसको बोलते हैं डब्ल्यू आई फिर जाके वो बनेगा फिनिश गुड्स <coughs> सर इतना सब राम कथा क्यों बता रहे हो सर अब तुमको समझेगा मैंने क्यों बताया ये आइडिया आया ठीक है अब मैंने पहला एक्सपेंस में क्या लिखा है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये उसके लिए रेलिवेंट है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में टीचिंग में मैं कोई भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूँ जब मैं बुक्स की प्रिंटिंग भी कराता हूं मैं खुद नहीं करता मैं बाहर से करवाता हूं तो मैं क्या कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं क्या नहीं तो मेरे लिए हेड आएगा ही नहीं इन माय बिजनेस दिस हेड इज इन रेलिवेंट बट इन दिस बिजनेस इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी शर्ट दिस हेड इज रेलिवेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने में करंट ईयर में कितना रॉ मटेरियल यूज किया है कितना रॉ मटेरियल यूज किया है मतलब इस केस में कौन सा मटेरियल की बात कर रहे हैं जो थ्रेड हो गया क्लॉथ हो गया कितना किया किया कितने का यूज किया। उसको हम लिखेंगे तो ये डायरेक्टली नहीं होता इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का एक फॉर्मूला होता है लिखोगे मेरे साथ समझेंगे हम बाद में लिख अब लेते हैं ठीक है लिखना मेरे साथ ओपनिंग रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल को आर एम बोल दूं आर एम प्लस परचेस्ड क्लोजिंग मतलब करंट ओपनिंग कितना था करंट ईयर में मतलब पुराने साल का जो बचा कुचा माल है, उसको बोलते ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस जो आपने करंट ईयर में परचेस किया वो लेस आपका क्लोजिंग कितना बचा है बराबर उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब करंट ईयर में आपने कितना माल कंज्यूम किया है

मान लो वन लाख रुपीस का माल बचा था करंट ईयर में मैंने टेन लाख का और परचेज किया ये मेरा ओपनिंग बचा हुआ था करंट ईयर में मैंने परचेज किया दस लाख रुपए का और ठीक है अब उसके बाद मैं बोलता हूं कि ये सब करने के बाद मेरे वन पॉइंट फाइव लैख का क्लोजिंग बच गया मतलब पहले इतना था फिर और खरीदा तो टोटल ग्यारह लाख का मेरे पास रॉ मटेरियल हो गया उसमें से मेरे पास वन का बच चुका है

ठीक है सर आगे पहला आइटम उसके बाद एक्सपेंस में सेकेंड एक्सपेंस कौन सा आएगा चेंज सुनो सेकेंड एक्सपेंस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको ठीक है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तीसरा हेडिंग भी लिख लो ना मेरे साथ पहले थर्ड हेडिंग भी लिख लो मेरे साथ पहले ठीक है अच्छा एक बात ध्यान रखना काफी बच्चे ना जैसे एक बच्चे ने ना क्वेरी पूछी फिर वो बार बार कॉन्स्टेंटली मेरे को बोल रहा है सर इसको एक्सप्लेन करो इसको एक्सप्लेन करो देखो मेरा एक फ्लो है मैं अगर फ्लो छोड़ के आपको ही समझाने बैठ जाओ आपकी हर एक क्वेरी को तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगा तो आप पहले मेरी सारी बातें सुन लो जब मेरा हो जाए और जब मैं बोलूं अब कुछ क्वेरी है तो पूछो दैट इज द टाइम यू विल द क्वेरी बिकॉज आप सोचो ना अगर आप मेरे से पूछते ही चलोगे ऐसे इतने सारे बच्चे पूछते चलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कभी ना तो मुझे पढ़ाने दो क्वेरी पूछने का टाइम मैं दूंगा तब आप क्वेरी पूछोगे ठीक है कॉन्स्टेंटली आप मुझे ऐसे टोकोगे ना ए, बता हे बता 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 ना बता ऐसा करोगे तो मैं कैसे बताऊंगा तुमको समझा तो मुझे पढ़ाने दो फिर रह गया तो पूछ लेना ठीक है और ऐसा पॉसिबल है जब मैं पढ़ाऊँ जब मैं कंप्लीट करूँ ना तो आपकी आधी क्वेरी वैसी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि जो आप पूछ रहे हो वो आगे आने वाला होता है ठीक है अब मैं बेचारा अकेला आदमी एक मिनट में एक जितनी बात कर पाऊंगा उतनी करूंगा ना सब कुछ कैसे बता दो है ना बात तो सही है सर बिचारे तो हो आप तो सुन लो चल परफेक्ट आ जाओ अगला क्या लिखा था मैंने परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड उसके नीचे एक और हेडिंग लिख लो मेरे साथ क्या लिखोगे चेंजेस इन इन्वेंट्रीज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ ऑफ फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यू आई पी एंड वर्क इन प्रोग्रेस चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस दो आइटम लिखा है मैंने आपको ठीक है चलो पहला आइटम अपने को समझ गया था डोंट वरी जो भी मैं समझा रहा हूं ना मैं आपको पूरा वापस रिवाइज भी कराऊंगा तो डोंट वरी अबाउट अटेंशन ठीक है चलो अब मैं आपको सेकेंड आइटम समझा रहा हूँ परचेज ऑफ स्टॉक इंटरेड इसका मतलब क्या होता है <coughs> मान लो एक तरीका बिजनेस करने का यह होता है खुद बनाओ और बेचो सेकेंड तरीका यह मेरा फर्स्ट तरीका है सेकेंड तरीका एक और है मेरे पास मैंने बोला इतना झंझट क्यों करना खुद बनाओ पहले क्लॉथ लाओ धागा लाओ सीओ फिर बना के बेचो इतना मेहनत क्यों करना इससे अच्छा मैन्युफैक्चरिंग के बदले मैं ट्रेडिंग बिजनेस में चले जाता हूं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस हाँ कैजान ने एकदम बढ़िया आंसर किया बेसिकली आप ट्रेडर बन जाओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडर आप खुद बना के क्यों बेच रहे हो सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो मेरे साथ है अम, सुमित ठीक है सुमित है मेरे पास मैंने सुमित को बोला सुमित तू भी बनाता है ना कपड़े सुमित ने बोला हाँ तो मैंने बोला तू मेरे को कपड़े तेरे जो कपड़े बनाते तो मुझे बेच दिया कर कपड़े बराबर तो तू बना रहे है, मैं जैसे खरीद लूंगा और उसी कपड़े को एज इट इज बेच दूंगा मतलब यहां क्या मैं रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं या मैं डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीद के फिनिश गुड्स बेच रहा हूं सेकेंड वाले ट्रेडिंग बिजनेस में हम डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीदते और उसी को बेच देते जैसे मैंने एक कोट खरीदा और सुमित सुमित से खरीद के कस्टमर को बेच दिया ट्रेडिंग मतलब यहां दर इज नो कंसेप्ट ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यू आई बी इधर जो तुमने खरीदा उसी को तुमने बेचा मतलब डायरेक्टली यू परचेज द फिनिश गुड्स एंड यू सेल द फिनिश गुड्स बराबर तो मैं लिख दू क्या इधर इसमें क्या होता है इसमें वी फिनिश गुड्स डायरेक्टली रेडी टू यूज अपन खरीदते और इसी को अपन बेच देते सेल फिनिश गुड्स इसको बोलते ट्रेडर इसको बोलते हैं ट्रेडर जो खरीदा उसको बेचो यार देर इज नो डब्ल्यू आई पी नो रॉ मटेरियल यार देर इज नो मैन्युफैक्चरिंग इज तुम समझे क्या समझा सर अब समझ में आया सर अब मुझे बताओ जब ट्रेडिंग बिजनेस में मैं किसी से माल खरीद रहा हूं आई एम परचेजिंग द फिनिश गुड्स सुमित द फिनिश गुड्स बराबर तो जब मैं डायरेक्टली फिनिश गुड्स खरीद रहा हूं ना उसको बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड उसको क्या बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग में व्हेन आई वाज प्रोक्योरिंग द रॉ मटेरियल्स वो ऊपर आता था ट्रेडिंग बिजनेस में जब मैं रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहा हूं मैं डायरेक्टली फिनिश गुड से खरीद रहा हूं वो इधर आएगा परचेज और स्टॉक इन ट्रेड तुमको समझा दोनों के अंदर फर्क क्या है ऊपर मटेरियल मतलब आई एम रेफरिंग टू रॉ मटेरियल नीचे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब इधर डायरेक्टली मैं क्या खरीद रहा हूं एफ जी माने फिनिश गुड्स खरीद रहा हूं समझा ठीक है सर अब एक बात बताओ सर क्या इधर भी जब मैं एफ खरीद रहा हूं तो इधर भी मैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करूं क्या ना मुन्ना ना यहां मत करना क्यों इधर बोला है सिर्फ परचेज निकालना है अपने को तो इधर ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग नहीं आएगा इधर सिर्फ जो करंटर में खरीदा है परचेज क्या है वो आएगा मतलब इधर सिर्फ परचेज आएगा

मैं लिखा देता हूं ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक उसको बोलते चेंजेस इन इन्वेंट्री देखो क्या लिखा हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस मतलब इस स्टॉक इन ट्रेड का जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है वो नीचे आता है इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नीचे आता है सेम इज डब्ल्यू आई पी डब्लू आई पी मतलब क्या होता है वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा पॉसिबल है साल खत्म हो गया लेकिन साल के एंड पे कुछ प्रोडक्ट्स आधे अधूरे हैं कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है साल के एंड पे तो उसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग भी यहां आएगा उसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग भी यहां आएगा इसका मतलब अगर मैं सौ बात के एक बार समराइज करूँ रॉ मटेरियल के अंदर ओपनिंग परचेज लेस क्लोजिंग एक ही हेड में हो जाता है इन केस ऑफ फिनिश गुड्स परचेस अलग से दिखता है और ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अलग से नीचे होता है सेम इज दस विध वर्क इन प्रोग्रेस बराबर वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नीचे होता है तुमको समझा मैंने क्या बोला वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग नीचे ही होता है <coughs> क्या तुमको बात समझ आई सर वर्क इन प्रोग्रेस में परचेज नहीं आता क्या अरे आप डब्ल्यू खरीदते नहीं हो आप बनाते हो खुद तो इसमें मत बोलना परचेस क्यों नहीं आया क्लियर ठीक है तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टेंशन मतलब याद नहीं रहना कोई बात नहीं है मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ सिर्फ समझ के आगे बढ़ना मेरे साथ ठीक है एक और आपको चीज़ बताओ ये ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करते क्यों है ये क्यों करते हैं पहले भी आपन पता है बचपन में भी ये करते थे सिर्फ दिखता नहीं था मैं समझाता हूँ कैसे लिखो मत सिर्फ देख लो पता है बचपन में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट उसमें आप ऐसा लिखते थे ये एक्सपेंस साइड हो गया ये इनकम साइड हो गया तो हम क्या करते थे इधर लिखते थे ओपनिंग स्टॉक यहां लिखते थे परचेजेस और यहां लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग और परचेस एक सिंगल एक्सपेंस साइड में आ रहा है और क्लोजिंग हम इनकम साइड में लिखते थे यहां हम इधर एक ही जगह से एडजस्ट कर रहे हैं तो हमने इसलिए ओपनिंग प्लस परचेस किया और क्लोजिंग को इनकम साइड में रिकॉर्ड करना से बेटर

मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझी है तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा ठीक है तो यस भी मत लिखो वाई वाई बस चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड आगे बढ़ रहा हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड फिर आ गया ट्रेड और फिर आ गया चेंजेस इन इन्वेंट्री ठीक है फिर क्या आएगा फिर आएगा आगे नेक्स्ट इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसिस इंप्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसिस इसमें क्या आता है सर अपने कंपनी में जितने भी इंप्लॉयज काम करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंपनी में बी -बी में टेक्निकल टीम वाले हैं डिस्पैच वाले लोग हैं जो आपकी बुक्स डिस्पैच करते हैं उन सबको हम पगार देते हैं वो यहाँ आती है कंपनी के लिए किसी को पगार देना खर्चा होती है ना मैं अपने इंप्लॉयज को पगार दे रहा हूं मेरे लिए वो खर्चा है ना वो यहाँ आएगा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस मतलब इंप्लॉय को जो भी बेनिफिट दोगे बोनस दो दिवाली का बोनस दिया सब इसमें आ जाएगा बराबर तो इंप्लॉय बेनिफिट हाँ मजदूर का पगार बराबर जैसे तुम अभी मजदूर की बात हुई तो मजदूर से मुझे तुम याद आए जैसे अभी तुम इंटर क्लियर करोगे तो तुम आर्टिकलशिप में जाओगे तो आर्टिकलशिप में तुम क्या मजदूरी हो आठ घंटा काम कर रहे हो पगार कुछ मिलनी नहीं है तुमको तो मजदूर से मुझे तुम याद आ गए यार सर बात तो सही है सर इतना भी सच नहीं बोलना था सर सॉरी ठीक है चलो तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर फिर आएगा फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट ऐसा मान लो सपोज मुझे बिजनेस रन करने के लिए मैंने लोन लिया तो लोन लेने पे बैंक आपको फ्री में तो लोन देगा नहीं बोलेगा ए ला इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे तो जो आप इंटरेस्ट देते हो बैंक को लोन लेने पे जब आप बैंक को इंटरेस्ट देते हो वो होता है फाइनेंस कॉस्ट बराबर वो होता है फाइनेंस कॉस्ट आगे फिर नेक्स्ट हेड इज डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसिस डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन एक्सपेंसिस सर ये क्या होता है डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं ये तो तुमने बचपन में पढ़ा होगा भाई नहीं पढ़ा गैस तो करो ट्राई तो करो डेप्रिसिएशन हम किस पे चार्ज करते हैं क्या होता है ये डेप्रिसिएशन कोई बताएगा मुझे बता देगा यार मजा आ जाएगा बताओ ना यार बताओ ना डेप्रीसिएशन किस पे चार्ज होता है हा आपने कहा फिक्स्ड पे चार्ज होता है तो बेसिकली क्या होता है जैसे जैसे आप असेट को यूज करते हो उसको हम डेप्रीशिएट करते हैं डेप्रीशियट मतलब उस अट की वैल्यू को हम कम कर देते हैं जैसे माइक है ये माइक की लाइफ दस साल है मैंने इसको फर्स्ट ईयर यूज किया तो इसकी लाइफ कम हो गई ना डिप्रीशिएट करो इसको एक साल और यूज किया लाइफ कम हो गई ना डिप्रिशिएट करो बराबर आप बोलते हो फिक्स्ड असट एस ने उसका नाम चेंज कर दिया है ना थोड़ा नामकरण कर दिया जैसे अपने पास है नमन नमन का मैंने रखा पेट नेम नमू है ना नमया नाम रखा मैंने उसका नम है ना अपने पास है जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास है जतिन मैंने उसका नाम रखा जत्तू ऐसा नाम रखा तो वैसे तुम्हारे फिक्स्ड असट का पेट नेम इन्होंने पता क्या रखा है इन्होंने रखा है उसका पेट नेम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इधर देखो वो तुम्हारा ए एस टेन ये फिक्स्ड एसेट ही होता है बस इसका नामकरण कर दिया इसका नाम बदल दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तुम समझ रहे हो क्या हाँ तो जब तुम असट को यूज करते हो तो यू चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन इट वो वहां आता है समझ रहे हो कहा आता है कहां आता है यहां आता है तुम्हारे लिए खर्चा ही है ना असट की लाइफ कम हो रही है असट की वैल्यू कम हो रही है देखो ट अच्छी चीज होती है ना अच्छी चीज की वैल्यू गिर रही है तो एक्सपेंस हो गया ना यार ऐसा अच्छा व्हाट जैसे आप फिक्स्ड असेट को डेप्रीशिएट करते हो वैसे ही होता है इनटेंजेबल असेट मतलब ये भी फिक्स्ड असेट ही है बस ये इनटेंजेबल है दिखाई नहीं देता फॉर एग्जांपल मेरा सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर पे मैं क्लासेस लूंगा वो है तो मेरे लिए असेट बट वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे उसको मैं फील नहीं कर सकता सर फील उसको आप फील नहीं कर सकते बट उसकी भी लाइफ कम होती है ना तो जैसे फिक्स्ड असेट की वैल्यू कम होने पे लाइफ कम होने पे डिप्रिसिएशन आता है वैसे इनटेंजिबल की लाइफ कम होने पे वैल्यू कम होने पे एमोरटाइजेशन आता है मतलब नाम अलग है काम सेम है नाम अलग है काम सेम है हाँ कोई तो फील में आ बोलता टच नहीं कर सकते सर ज्यादा फील में बताओ ठीक है चलो एनी <anyways>. वेज <coughs> तो फिक्स्ड अट पे चार्ज होता है तो बोलते डेप्रीसिएशन इन टाइम पे चार्ज होता है तो उसको बोलते क्लियर क्लियर एकदम clear, सर ठीक है तो कितने एक्सपेंस हो गए सर रॉ मटेरियल वाला खर्चा फिनिश का परचेजेस फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ एफ जी एन डब्ल्यू आई पी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फस कॉस्ट डेप्रीशन एमोटाइजेशन बहुत सारे हो गए अब इतने सारे के बाद जो बचा कुछ है उसको बोल देंगे अदर एक्सपेंसेस ठीक है अदर एक्सपेंसेस इधर आओ लिख दो उसको एक्सपेंसेस मतलब ऊपर वाले छोड़ के बाकी जो भी खर्चे किए अदर साहब ज्यादा दिमाग लगा रहे नहीं एक्सपेंसेस भाई साहब ठीक है चलो तो ये सारे एक्सपेंस को मिला के बनेगा टोटल एक्सपेंसेस है ना तो लिख दू मैं टोटल एक्सपेंसेस एक सेकंड लिख देता हूं लिखो इधर क्लियर एकदम क्लियर है सर अब देखो आपको थर्ड वाले पॉइंट में मिली थी टोटल इनकम थर्ड वाले में मिली थी टोटल इनकम फोर्थ वाले में क्या मिला टोटल एक्सपेंसेस तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या मिलेगा इनकम माइनस एक्सपेंसेस क्या मिलेगा बताओ वेरी गुड प्रॉफिट एंड लॉस इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट इनकम कम है खर्चा तो लॉस तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इधर लिखना फिफ्थ <coughs> हेडिंग देना इसको फिफ्थ अब तक फोर्थ हुआ था ना अपना फिफ्थ बोलेंगे इसको फिफ्थ ठीक है ऐसा लिखना प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट बिफोर अब ये प्रॉफिट तो मिला है बट इसमें भी और कुछ चीजें आने बाकी है ऐसा लिखना प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स कॉमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स कॉमा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स एंड टैक्सेस अरे तुम जितना कमाओगे गवर्नमेंट उस पर टैक्स भी तो लेगी लेगी ना जो हमारी श्री 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 फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला मैडम जी आप बात बात पे आते ही बोलते हैं प्रॉफिट कमा रो ला टैक्स ला ला टैक्स दे बस टैक्स क्या होता है तुम्हारे मेहनत की कमाई को कोई और ले जाए टैक्स ठीक है तुमने मेहनत की पैसा कमाया गवर्नमेंट आएगी बोलेगा ला टैक्स ला ला तेरा तेरी कमाई का थोड़ा देना मुझे टैक्स ठीक है हाँ निर्मला ताई बोलते ताई मत बोलो उसको यार तुमने पूरा उसको महाराष्ट्र बना दिया पूरा हाँ बताओ हाँ एनी वेज लिखा ये प्रॉफिट बिफोर वसूली बहन हाँ ये क्या नाम दिया है भाई कुणाल ने एकदम सही बोला है निर्मला ताई इज बेसिकली वसूली बहन प्रॉफिट का रहा ला पैसा दे वसूली <laughs> भाई वसूली ये ना तो मैंने कहा वसूली वसूली इसलिए गुंडा एक गुंडा जो आपसे आपकी कमाई छीन लेता है वसूली मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ भाई तुम लोग मुझे बैन करवाओगे ध्यान दो इधर <coughs> तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एक्स्ट्रा आइटम्स एंड टैक्स ठीक है हाँ अब मैं पहले पूरा फॉर्मेट कंप्लीट कर लेता हूँ फिर थोड़ा डिस्कशन करता हूँ तो क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर है इसके और इसके और इसके पहले तो एक एक करके माइनस करना तो सबसे पहले अपन माइनस करेंगे वाला ऐसा बोलना नीचे लिखना एक्सेप्शनल आइटम्स बराबर मतलब प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड टैक्सेस फिर आपने लिखा एक्सेप्शनल तो अपने को मिलेगा पता है क्या अब अगर आपने फाइव में से सिक्स माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक लाइन छोड़ के लिखो इजी पड़ेगा समझने के लिए अब आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेस आपको कैसे मिला या आपको मिला फाइव माइनस सिक्स करके लिख दू मैं फाइव माइनस सिक्स बराबर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड टैक्सेस तो उसमें से एक्सेप्शनल निकाला तो मिला प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड टैक्सेस बराबर फिर इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा लिखेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी बाहर निकालूंगा तो मैं बोलूंगा जो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स है उस पर जो लॉस वगैरह वो बाहर करो ठीक है तो आप ये भार करने का क्या मिलेगा आपको मिलेगा सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसा लिख। इसमें क्या लिखना आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिला सेवन माइनस एट बराबर अब अगर इतना समझा है कि देखो मैं एक एक करके माइनस कर रहा हूँ पहले मुझे मिला था प्रॉफिट बिफोर दिस दिस एंड टैक्स तो मैंने पहले एक एक्सेप्शन माइनस किया फिर मुझे मिला प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रॉडनरी एंड टैक्स तो मैंने एक्स्ट्रॉडनरी माइनस किया फिर मुझे मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो थोड़ी सी बुद्धि लगा के बताओ मैं क्या माइनस करूँ अब मैं क्या माइनस करूँ वेरी गुड सर इतना माइनस किया तो अब टैक्स की बारी अब आप टैक्स माइनस करोगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर क्या चलो तो मैं लेस करेगा लिखो इधर लेस एंड पॉइंट हम टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे टैक्स एक्सपेंस दो प्रकार का होता है टैक्स एक्सपेंस दो प्रकार का होता है एक होता है करंट टैक्स और एक होता है डिफर टैक्स एक होता है करंट टैक्स एक होता है डिफर टैक्स ये दोनों क्या होता है हमको नहीं पता है. इसके लिए एएस एएस 22 वहां बात करेंगे ठीक है यह करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये मैं लाइन बना रहा हूं पूरे पेज की ठीक है एक बार <coughs> ओके तो लिखो अभी मिलेगा आपको प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है भाई दबे तो ऐसा लिख लो चलो प्रॉफिट स्लैश लॉस नेगेटिव में आया तो लॉस लिख देंगे पॉजिटिव में आया तो नॉर्मल लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर द पीरियड ये लिखा मेरे हीरो लोग तुमने क्या तुमने इतना लिखा आगे भी है उसकी बात है बाद में करूंगा पहले इतना लिखो बड़ा बेसिक सा फॉर्मेट है पहले इनकम लिखा एक्सपेंस लिखा फिर आपको मिला प्रॉफिट अब ये प्रॉफिट तीन चीज के पहले प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉडनरी और टैक्स तो एक एक करके माइनस करने का

दैट इज एस फाइव। इसकी बातें भी ए एस में होती है और वो होता है ए एस फाइव बराबर मैं लिख दू इधर ये दोनों की बातें बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते ये दोनों की बातें होती है ए एस फाइव के अंदर बराबर ये दोनों के बीच में काफी थिन लाइन है इसका मतलब और इसका मतलब लगभग लगभग सेम होता है बस थोड़ा सा फर्क है मैं ना अभी उसके डिटेल में नहीं जा रहा क्यों हम उसकी बातें ए एस फाइव में करेंगे बट मुझे फिर भी थोड़ी सी खुजली तो हो रही है हल्की सी बातें कर लूँ आपके साथ कि इनका बेसिकली मतलब क्या होता है मैं कह दूँ आपसे कर लूँ हल्की सी बातें करो ना सर करो सुनो मेरी बात पता है क्या हुआ मैं जहाँ टीचिंग करता हूँ ना ये मेरा स्टूडियो है ठीक है मैं स्टूडियो में पढ़ाता हूँ आपको स्टूडियो से मैं आप लाइव आता हूँ आप मुझे घर पर बैठ के मस्त तो सुनते हो तो ये स्टूडियो में आप देखोगे हंस कोई, कोई गुस्सा नहीं करेगा मेरे को एग्जाम्पल ऐसा ही अपना ये स्टूडियो में पता है क्या हुआ मेरे पहले दिन इधर बैठने से एक हादसा हो गया बताओ क्या हुआ होगा मैं स्टूडियो में एंटर किया स्टूडियो में मेरा आते ही एक हादसा हो गया बताओ क्या हुआ होगा गैस करो अरे गैस तो करो <coughs> मेरे आते ही हादसा हो गया इधर बताओ क्या आईपैड पे चाय गिर गई नहीं 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 छोटे मोटे हादसे नहीं चेयर टूट गई नहीं नहीं अरे मेरे मेरी वजह से हुआ तुम मेरे को देखो मेरे को पहले देख लो अच्छे से देख लिया अब मेरी वजह से क्या हुआ चेयर का कुछ नहीं हुआ चेयर वेयर सब सही थी बताओ मैं तुम लोग नहीं कैस कर पा रहे हाँ मेरे को कैसा नहीं बताते सुनो मेरे स्टूडियो में एंटर करते ही स्टूडियो में आग लग गई है आपके एंटर करते है? आग लग गई बताओ क्यों अरे बिकॉज आई एम हॉट सर फालतू बातें आपको देखिए गुच्चा मारना चाहिए सर अरे समझ रहे हो तुम हाँ मेरे हाथ अरे यार गाइस गुस्सा क्या कर रहे हो एक सेकेंड मेरे आते ही <laughs> यहां आग लग गई क्योंकि आई एम हॉट फालतू बात है सर हाँ हाँ मत तुम लोग ठीक है जिसने भी ये डायलॉग सुन के मेरे को मन में गाली दी कि सर ये फालतू जिसको भी जो खरा एक सेकेंड जो खराब लग रहा है तुम लोग को जो खराब लगा तुमको पता है तुम्हारे तीन सौ में से वन फिफ्टी पासिंग होते हर ग्रुप में तीन सौ टोटल भी मेरा जोक खराब लगा या मेरी बातें पे हंसी नहीं आई आए। आपको आएगा एग्जाम में वन फोर्टी नाइन सर बनौती मारते हो हाँ तो हंस लो चुपचाप बोलो अब बताओ जोक कैसा था मेरा देखो तुमको वन फिफ्टी नहीं आएगा तुमको कितना आएगा वन फोर्टी नाइन अगर जोक तो बताओ जोक कैसा था सर क्या ही जोक मारे हैं सर मजा अधिका कैसे हंसरे देखो चैट बॉक्स में हाँ हा? वाह वाह था सर बहुत बढ़िया था सर जिसको भी पीजे वीजे लगा पका जोक लगा मैं कुछ नहीं कोई बात नहीं वन कैसे नाइन कैसे देखो ना जैसे पता नहीं क्या थैंक यू गाइस आई न्यू दैट यू लाइक माई जोक ठीक है <laughs> तो वाह वाह सर एक नंबर था थैंक यू इतने गाइस अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं हाँ <laughs> चलो हाँ सो बस बस झूठी तारीफ भी हत, एक हद तक करनी चाहिए ठीक है एनी तो समझो मेरी बात अब ये जो मुझे नुकसान हो गया आग लगने से मेरा स्टूडियो पूरा जल के राख हो गया रहेगा ठीक है अरे बस 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 बस, बस, बस। मिला बाबू बस इतना मत बस सुनो ये जो स्टूडियो में आग लगी ये आग लगना आम बात है इट इज अब नॉर्मल थिंग ये क्या रोज लगते रहती है क्या मैं रोज आऊंगा आग लगेगी मेरी वजह से नहीं 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 ये एबनॉर्मल चीज़ है तो धंधे में जब भी भी कोई एबनॉर्मल चीज़ें होगी ना वो यहाँ आती है एक्स्ट्रा आइटम्स जैसे बाढ़ आ गई फ्लड की वजह से नुकसान हो गया पूरा यहाँ आ जाएगा भाई साहब तुम समझ रहे हो क्या आग लग गई फ्लड आ गया अर्थक्वेक आ गया मतलब नेचुरल क्लामिटी हो गई कोई भी एबनॉर्मल चीज होती है तो वो यहाँ आती है एक्स्ट्राऑर्डनरी में सर फिर एक्सेप्शनल में क्या आता है अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी से थोड़ा कम ऐसा आप समझ सकते हो कि ऐसा चीज जो बिजनेस में होना नॉर्मल है बट हर बार नहीं होता है हैं ऐसा चीज जो बिजनेस में होना नॉर्मल है बट हर बार नहीं होता फॉर एग्जाम्पल ये माइक है माइक मैंने क्यों खरीदा यूज करने के लिए मैंने उसको यूज किया चार पाँच साल यूज किया फिर मैंने उसको बेच दिया अब मेरा धंधा माइक बेचना नहीं है मेरा धंधा आपको पढ़ाना है बट फिर भी मैंने असट को बेचा ना और मैंने ये असर्ट यूज करने को लिया था बट मैं फिर भी बेच देते इसको बेच दिया नुकसान हो गया बेचने पे तो ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट हुआ ये धंधे में होना नॉर्मल है बट ये आपका धंधा नहीं है करना फिर भी लॉस हुआ ना एक्सेप्शनल आइटम्स मतलब ये होता है बट इतना भी ऐसा नॉर्मल नहीं है आपके धंधे में ये आपका बिजनेस नहीं है फिर भी ऑकर हुआ ये मेरा धंधा नहीं था इसको बेचना फिर भी मैंने बेचा नुकसान हुआ एक्सेप्शनल बराबर अच्छा कोई एकदम ही एबनॉर्मल हो गया वो जिंदगी में कभी नहीं होता है, फिर भी हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा इसके बीच में बहुत थिन लाइन है अब मैं इससे ज्यादा चर्चा करूंगा तो मैं ए एस वाई की तोहहीन कर रहा हूं क्यों ए एस वाई बोलता है रुकना हम भी आ रहे हैं लाइन में तो जब ए एस फाई आएगा इसके बारे में विस्तार में चर्चा करूंगा इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल भी नहीं लिखा रहा अभी मत लिखना क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो आधा अधूरा होगा अभी फिलहाल के लिए तो रुक जाना समझा मैंने क्या बोला इस पर बहुत सारे सवाल आ सकते हैं सर ये होगा तो ये एक्सेप्शनल है क्या ये हुआ तो एक्सेप्शनल है क्या थम जाओ अपने दिमाग को बोलो रुक जाओ हमको ए एस वाई की तोहिन नहीं करनी हम जा, जाएंगे बट बेसिक आइडिया आ गया धंधे में ना होने वाले आइटम्स इधर आते हैं ये अलग से क्यों लिखते हैं ताकि इंपैक्ट दिखे कि धंधे वाले एक्सपेंस ये रहे धंधे से अलग वाले लॉस ये रहे ऐसा एक, उसका इफेक्ट दिखाने के लिए अभी मैं इसको अगर अधस में डाल देता तो मालूम ही नहीं पड़ता ना ऐसा कुछ विचलित चीज हुई है ऐसा कोई एबनॉर्मल गेन लॉस हुआ है तुम समझ रहे हो एबनॉर्मल हुआ इसलिए अलग से दिखाया उसको ठीक है तो इसलिए प्रॉफिट बिफोर तीन चीजें प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डनरी टैक्स फिर पहले एक्सेप्शनल माइनस किया तो मिला प्रॉफिट बिफोर एंड टैक्स फिर एक्सट्रॉर्डनरी माइनस किया तो मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर टैक्स माइनस किया बेसिक आइडिया आ गया बेसिक बेसिक हल्का फुल्का जितना मैंने बोला उसका थर्टी फोर्टी परसेंट समझा तो मेरा काम हो गया समझा चलो अब कुछ आखिरी बातें कर लेता हूं अब ये जो प्रॉफिट लॉस मिला है फॉर द पीरियड इसके आगे लिखना दिस इज प्रॉफिट लॉस फ्रॉम दिस इज प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिस इज प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन कैसे आया प्रॉफिट एंड लॉस नाइन माइनस टेन लिख दो ब्रैकेट में सर कंटिन्यू ऑपरेशन क्या होता है वो धंधा जो अभी भी रनिंग है आप उसको चला रहे हो जैसे टीचिंग में अभी भी कर रहा ना इसको बोलते हैं ऑपरेशन तो जो मैंने इनकम लिखी है ना ऊपर और जो मैंने एक्सपेंसेस लिखे ये मेरे चलते हुए धंधे के आ, क्या बोलते हैं इफेक्ट है ये मेरे चलते हुए धंधे के प्रॉफिट्स है एक्सपेंस इनकम वो सब है अब एक और इसके नीचे हेड आता है वो भी लिखना ट्वेल्थ प्रॉफिट स्लैश लॉस प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम डिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन लिखो पहले कंप्लीट कर लेते हैं अपन आगे फिर थर्टींथ पॉइंट आएगा टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन बराबर फिर आपका आएगा प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम डिस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स ये कैसे आएगा ट्वेल्व माइनस थर्टीन करने से आएगा 12 माइनस थर्टीन करने से आएगा प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम कंटिन्यूंग डिस ऑपरेशन आफ्टर टैक्स ठीक है <coughs> मैं यहां रुक रहा हूं अभी अब मेरी बात ध्यान से सुनना लिखा ही मेरे हीरो लोग सुनो मैंने जो ऊपर निकाला ना प्रॉफिट वो मेरे को प्रॉफिट मिला है ओनली फ्रॉम कंटिन्यूंग ऑपरेशन मतलब जो धंधा मेरा रनिंग है अब ऐसा पॉसिबल है ये हर केस में नहीं होगा कोई कोई कंपनीज में हो सकता है प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस कंटिन्यूंग ऑपरेशन सर इसका मतलब क्या समझाओ समझाता हूँ आपको पता है मेरा टीचिंग के साथ एक और बिजनेस था पहले रिलेशनशिप एडवाइस देना मैं कंसल्टेंसी में लव गुरु था ठीक एक, है एक दिन व्रज आया व्रजा मेरे पास आया बोलता सर वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती सर तो मैं गाइडेंस देता उसको एक दिन मेरे पास ये आया कुणाल आया बोलता था सर वो आर्टिकलशिप में किसी और से ज्यादा बातें करती है सर मैं बोला अच्छा ठीक है ये धंधा मैंने कैलेंटर में बंद कर दिया ये धंधा मैंने कैलेंटर में बंद करने का सोच लिया इस धंधे से भी मुझे प्रॉफिट होता था ना पहले व्रज इतना प्यार में पागल था बोलता था सर अब बस मुझे हेल्प कर दो बदले में आप भले ही मेरे से हजार रुपए ले लो सर आप हेल्प कर दो सर हजार रुपए ले लो सर ये भी मेरा बिजनेस था करंट ईयर में बंद करने का सोच लिया और बंद कर लिया करंट ईयर में है ना उस धंधे से जो प्रॉफिट हो रहे थे उसको आप कंटिन्यूइंग में नहीं जोड़ते उसको आप ऊपर के इनकम में एक्सपेंस में नहीं दिखाते हैं ये जो वो बोलता ना रिलेशनशिप कंसल्टेंसी देकर जो मुझे इनकम आ रही थी वो यहां आती है प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकटिन्यू ऑपरेशन बराबर तो इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ अलग से दिखाने का सर अलग से क्यों दिखाया वही इंपैक्ट मालूम करने के लिए आपके कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स है ओनर्स है उनको मालूम पड़ेगा ना कि चलते हुए धंधे का प्रॉफिट कितना है और जो धंधा बंद हो चुका उसका प्रॉफिट कितना है अलग से दिखाने का फायदा क्या होता है उसको मालूम है ना शेयर होल्डर को ओनर्स को कि ये प्रॉफिट वापस ऑकर होने वाला है नहीं ये धंधा बंद होने वाला है ये प्रॉफिट लॉस वापस ऑकर होने वाला है नहीं कंटिन्यूंग वाला प्रॉफिट होते रहेगा हर साल हर साल हर साल ऐसा इसलिए अलग से दिखाया तो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्क ऑपरेशन इसका टैक्स एक्सपेंस अलग से और फिर मिलेगा प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्क ऑपरेशन आफ्टर टैक्सेस मतलब धंधे में दो तरह के प्रॉफिट हुए एक प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूंग ऑपरेशन और एक प्रॉफिट फ्रॉम डिस्क डिस्कंटिन्यूंग ऑपरेशन ये हर केस में रेलिवेंट ऐसा जरूरी नहीं है बराबर जिसने धंधा बंद किया रहेगा उसके लिए रेलिवेंट है क्लियर है वाला पार्ट यस सर तो मैंने क्या बोला टोटल दो तरह के प्रॉफिट हो गए कंटिन का प्रॉफिट अलग का प्रॉफिट अलग ये दोनों को मिला के टोटल भी दिखा दे ये दोनों को मिलाकर टोटल भी दिखा दू दिखा देता हूं चलो इधर लिख दो दैट इज माई फिफ्टीन हेडिंग दैट इज माई फिफ्टीन हेडिंग प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर द पीरियड कैसे मिलेगा कंटिन्यूंग वाले का आफ्टर डेक्स प्रॉफिट इधर था 11 में और डिस्किन्यूंग का आफ्टर डेक्स प्रॉफिट है फोर्टीन में तो 11 प्लस फोर्टीन कर दूवन प्लस फोर्टीन अच्छे से लिखता थोड़ा रुको <coughs> तो बेसिकली ये क्या है कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग मतलब आपने देखो कितना अच्छा काम किया है आपने दोनों को अलग अलग भी दिखा दिया और जोड़कर भी दिखा दिया आपन कितने अच्छे लोग हैं ना यस सर बताओ इसके ऊपर भी एक ए एस है ए एस ट्वेंटी फोर है मेरे ख्याल से डिसकंटिन्यूंग ऑपरेशन ए एस ट्वेंटी फोर वो भी ये सेम बात करेगा आपके साथ क्या अलग से दिखा देना बस क्लियर मैं बोला ना हर एक आइटम पे ए है भाई ये तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ठीक है, हो गया सर एक लास्ट आइटम आएगा लास्ट सर पक्का लास्ट पक्का लास्ट एंड दैट इज अर्निंग्स पर शेयर अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर ठीक है इसमें दो तरह का आता है एक आता है बेसिक और एक आता है डायलूटेड सर ये क्या होता है अर्निंग्स पर मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता इसके बारे में चर्चा ए में एस है, EPS, अर्निंग्स पर वहां करेंगे इस बारे में। बेसिकली पता है, क्या होता है ये? जितना भी कमाया, यर आपके बिजनेस में जितने भी शेयर्स हैं उसको डिवाइड करते तो मिलता है अर्निंग्स पर शेयर बस बाकी चर्चा ए एस ट्वेंटी में करेंगे फॉर्मेट इज ओवर ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट अब मुझे एक बात बताओ क्या हमको सर ये आज ही याद करना है क्या डू वी नीड टू रिमेंबर इट टूडे बोलो यस और नो वेरी गुड नहीं आज याद नहीं करना है इसको तो सर कब याद करेंगे आज मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो आप बचपन से सीख कर आए हो प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट टी फॉर्मेट में वो अलग या अलग बचपन में जो बैलेंस शीट सीखी वो अलग या अलग तो आज याद नहीं करना है भाई हमने आज सीखा हर एक के बारे में बात होगी ए एस में और इसको बनाना के लिए चैप्टर अलग से है हम सारे ए एस पढ़ लेंगे ना तो उसका इसको बनाना भी सीखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वहां हम इसको याद करेंगे यहां याद करेंगे इसको तो ए एस सीखेंगे ए एस में हर एक आइटम के बारे में मालूम पड़ेगा उसके बाद हम इधर आएंगे और यहाँ बनाएंगे तो मजा आएगा तुम समझे तो ये प्रोसेस है एक ही दिन में सब नहीं हो सकता आज हमने सिर्फ जाना कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है क्लियर परफेक्ट है सर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे हेड्स एक बार वापस रीड कर देता हूं फिर मैंने जितना भी पढ़ा आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा और फिर आपको मैं छोड़ दूंगा ठीक है वाह सर सुनो मेरी बात ध्यान से प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने क्या पढ़ाया तो पहले इनकम आता है कि एक्सपेंस आता है पहले इनकम आती है बराबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये आपका जो मेन बिजनेस है उसका उसका रेवेन्यू आता है ठीक है अधर इनकम ये आपकी मिससेलेनियस इनकम होती है धंधा छोड़कर जो बाकी इनकम किया वो ये रेड ये ग्रीन वाला लिखो मत मतलब लिखना तो लिख लो बट अलग पेन से लिखो फिर ठीक है मेन पेन से मत लिखो ये एग्जाम में कभी फॉर्मेट में लिखना मत फिर आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें आएगा रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग फिर आएगा परचेज स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रेडिंग वाला काम करते हैं वो एफ खरीद के एफ जी तो जो एफ खरीदा वो यहां आएगा

टोटल एक्सपेंस मिलेगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस मिलेगा प्रॉफिट बट दिस प्रॉफिट इज बिफोर थ्री आइटम्स प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रॉर्डनरी टैक्सेस फिर उनको बोला लाइन में आओ एक एक करके माइनस करेंगे तो एक्सेप्शनल माइनस करो प्रॉफिट बिफोर एक्सट्रॉर्डनरी टैक्सेस फिर एक्स्ट्रॉर्डनरी माइनस करो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फिर टैक्स माइनस करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम 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 कंटिन्यूंग ऑपरेशन सर कंटिन्यूंग क्यों याद है मैंने करंट में धंधा बंद किया था एक

अब जाने के पहले जितना भी आपन ने पढ़ा स्टार्टिंग से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं ठीक है वैसे मैंने आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं है बेसिक बेसिक बताया आज के लिए काफी है तो आपन जो भी है एक क्विक रिविजन कर लेते हैं बराबर फिर अलविदा कह दूंगा और लास्ट में जो क्वेरीज वगैरह आपको है आप मेरे से पूछ सकते हो वक्स सही है चलो तो पहले फटाफट -फड़ से कंटिन्यू करते बट उसके पहले ये के है ऐसा लगता है ऊपर लिखा दूंगा एक के भाई साहब ऊपर नेवर गए के बदले लिखा इक्के भाई साहब बाद में लिखाऊंगा इसको चल इधर आओ <coughs> सुनो मेरी बात ध्यान से मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ ठीक है शुरुआत से जो मैंने बेसिक बातें बताया उसको भी रिवाइज़ कराता हूँ सुन लो सबसे पहले जब एडवांस अकाउंट्स की बात की नोटबुक के फर्स्ट पेज पे टारगेट लिखा होना चाहिए ठीक है उसके बाद बेसिक बातें की उसके बाद कल जब आऊँगा तो ये पूछूंगा क्यों बनना है ऐसी है कल आते ही पूछूंगा ये आज तुम्हारा होमवर्क है ठीक है ओके सर उसके बाद हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया थर्टी परसेंट एम सी को सेवेंटी परसेंट डिस्क्रिप्टिव इतना याद रखो बस फिर आपने सिलेबस की बातें की दो पार्ट में बांट दिया ए एस और प्रैक्टिकल चैप्टर्स टोटल ट्वेंटी सेवन ए एस है ट्वेंटी नाइन है दो निकल गए तो बचे ट्वेंटी सेवन और चार बड़े चैप्टर है ठीक है अलग से ए एस में भी चैप्टर आते हैं अलग से तीन चैप्टर बड़े हैं और बाकी अदर ए एस है जो भी है ये सिलेबस है रट्टा मारने का जरूरत नहीं है चैप्टर करेंगे अपना याद हो जाएगा ठीक है बट मेजर पोर्शन इज एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसमें तुम्हारे भाई की मास्टरी टेंशन मत लेना उसके बाद हमने जो मेन चर्चा की वो यहाँ से शुरू की फॉर्मेट ऑफ बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या मैंने आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ाया आज नहीं बेसिक बातें की आपके साथ ये बहुत जरूरी है क्योंकि मैं रोज जो बातें करूंगा वो इससे लिंक करूंगा मैं रोज ठीक है ओके तो बैलेंस और प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट किसने दिया कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है स्कड्यूल थ्री में दिया हुआ है स्केड्यूल थ्री में डिवीजन वन में दिया हुआ है एएस का फॉर्मेट जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी उसका फॉर्मेट दिया हुआ है इंटर में अपने को यही है बाकी फाइनल में क्या है वो छोड़ दो फिर आएगा बैलेंस शीट अब है ना मैं नीचे नहीं देख रहा हूं पहले आप पहले आप मुझे बिना देखे बताओगे सुनना मेरी बात अब आपको जवाब देना है ठीक है बैलेंस शीट में मैं शुरुआत किससे करता हूं आई स्टार्ट विथ लाइबिलिटीज और डू आई स्टार्ट विथ असेट्स प्रॉपर हेडिंग का नाम बताओ शॉर्ट फॉर्म में बताओगे तो भी चलेगा एक लेटर लिखोगे तो भी चलेगा पहले मैं यहां क्या लिखता हूं वेरी गुड आई राइट इक्विटी एंड ठीक है देन उसमें आता है अब याद नहीं करना है बता रहा हूं आपको सिर्फ फिर आएगा शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी मतलब कौन ओनर वाले लोग तो ओनर से जितना पैसा लिया ओनर का जो प्रॉफिट है वो सब यहां आएंगे बराबर इसमें ब्लाब ब्ला ब्ला तीन चार चीजें आएगी फिर सेकंड आएगा एप्लीकेशन मनी वाला शेयर एप्लीकेशन मनी आप फाउंडेशन में सीखते थे इसके बारे में एप्लीकेशन मनी क्या होता है छोड़ दो नहीं पता तो कोई बात नहीं फिर आएगा आपका इक्विटी के बाद लाइबिलिटी की बात है अब लाइबिलिटी में दो मेन कैटेगरी है वो दो मेन कैटेगरी बताओ कि दो मेन कैटेगरी है कौन सी दो मेन कैटेगरी है वेरी गुड हाँ माही वेरी गुड एक है नॉन करंट फिर चार पांच चीजें ब्लाब्रा ब्ला ब्ला फिर आया करंट चार पांच चीजें ब्लाबा -ब्ला -ब्ला -ब्ला। बराबर इतना याद रहेगा ना ये याद है सर ठीक है नॉन करंट मतलब क्या बारह महीने से ऊपर वाले करंट मतलब क्या

बताओ कौन कौन से कुन से वेरी गुड गौरव एक है नॉन करंट अट फिर चीजें फिर current asset, blah 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 blah, क्या चीज है ठीक है? है सर मजा आ गया ये होगी बैलेंस शीट ठीक है अब आप देख सकते हो इधर देखो चालू इक्विटी लाइबिलिटीज है शेयर होल्डर फंड्स तीन चीज़ें है फिर शेयर एप्लीकेशन मनी फिर नॉन करंट फिर करंट करंट या प्रीवियस ईयर बनेगा और किसी भी आइटम के अंदर अगर चार पांच चीज़ें हैं तो इसकी डिटेलिंग हम नोट्स में देंगे तो बता देंगे सपोज़ वर्किंग नोट नंबर वन में हमने इसकी बातें की है बहुत सारी बातें की है वर्किंग नोट नंबर टू में इसका डिटेल्स दिया हुआ है ऐसा तो नोट नंबर लिख देंगे और वर्किंग नोट बना देंगे उसको उन लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स ठीक है वो आएगा चैप्टर के अंदर क्लियर तो ये बेसिक आइडिया आ गया अपने को इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट पूछा प्रॉफिट एंड लॉस में हेल्प करोगे करोगे बिना देखे कोशिश 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 करते चलो इधर आओ करना सारे इनकम्स लिखू या पहले सारे एक्सपेंसेस लिखू जल्दी से मेरे को बताओ पहले इनकम एक्सपेंसेस लिखू वेरी गुड पहले इनकम्स लिखते इनकम में पहले धंधे से इनकम कितना हुआ उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बराबर धंधा छोड़ के बाकी सारी इनकम अधर इनकम में आ जाएगी बराबर दोनों मिला के मिलेगा टोटल इनकम परफेक्ट लिखो मत सुन लो बस टोटल इनकम करेक्ट ठीक है इनकम लिखा फिर क्या लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे वेरी गुड फिर लिखेंगे अपन एक्सपेंसेस। हाँ एक्सपेंसेस। अब मुझे पहला एक्सपेंस याद है किसी को याद है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हूं तो सबसे पहले क्या खरीदूंगा रॉ हाँ, मटेरियल तो इधर में रॉ मटेरियल परचेज लिखू या कंज्यूम्ड लिखू इधर में रॉ मटेरियल परचेज लिखू कंज्यूम्ड लिखू वेरी गुड कंज्यूम्ड लिखेंगे सर कंज्यूम्ड जब जवाब दे रहे हो तो बस एक लेटर लिख दो तो समझाएगा सी की आर सी की पी तो सी मतलब कंज्यूम्ड हा कंज्यूम्ड कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है जितना खरीदा सिर्फ वो ही लिखू पहला ऑप्शन सिर्फ परचेज लिखू सेकंड ऑप्शन ओपनिंग प्लस परचेज

जो मेरा सेकेंड बिजनेस है याद है ट्रेडिंग वाला बिजनेस जहां डायरेक्टली मैं एफ के खरीदी बेच रहा हूं तो उसको बोलते थे ऑफ ऑफ स्टॉक स्टॉक इन इन ट्रेड ट्रेड याद है इसमें अब बताओ सिर्फ परचेज आएगा यहां या यहां भी ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आएगा वेरी गुड यहां सिर्फ परचेज आएगा वेरी गुड यश यहां सिर्फ परचेज आएगा तो इसका ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कहां गया इसके नीच उसको बोलते चेंजेस इन इन्वेंट्री क्या बोलते हैं उसको चिंजिदिन इन्वेंट्री यहां एफ जी और डब्ल्यू आई पी का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आ जाएगा एफ जी और डब्लू आई पी का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आ जाएगा सर रॉ मटेरियल उसका नहीं आएगा रॉ मटेरियल का अरे वो तो ऊपर आ गया वो तो ऊपर आ गया तो बच्चा किसका एफ जी और डब्ल्यू आई पी उसका नीचे आता है ये समझा ठीक है उसके बाद छुट्टे मोटे एक्सपेंस जो याद आलार्म से लिखो अपने एम्प्लॉय को पगार दिया इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बैंक से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भरा फिनेंस कॉस्ट बराबर उसके बाद और क्या थे? असेट को यूज किया डेप्रीसिएशन फिर अदर एक्सपेंसेस याद मत रखो मैं याद करा टेंशन मत लो समझा इंप्लॉय को पगार दिया बैंक से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भरा असेट को यूज किया उसकी वैल्यू कम हुई अदर एक्सपेंसेस वाह मजा आ गया सब करने का मिलेगा टोटल एक्सपेंसेस टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस मिलेगा प्रॉफिट मैं बाजू में कर लू इधर जगह नहीं तो यहां करो ठीक है आपको मिलेगा प्रॉफिट बट प्रॉफिट बिफोर बिफोर थ्री थिंग्स प्रॉफिट एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टैक्सेस अब क्या बोलने का लाइन में आओ लाइन में आओ लाइन में, में आओ एक एक करके माइनस करने का पहले एक्सेप्शनल माइनस किया मिला प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एंड टैक्सेस फिर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइनस करूंगा तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस फिर मैं टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम विच ऑपरेशन फ्रॉम कंटिन्यूइंग या फ्रॉम डिस्क या टोटल ये मिलेगा सिर्फ कंटिन्यूइंग वाला क्यों क्योंकि डिस्क कंटिन्यूइंग का प्रॉफिट वगैरह नीचे अलग से दिखाते हैं तो जो प्रॉफिट है डिसकंटिन्यूंग का वो यहां दिखेगा इसका टैक्स अलग से माइनस करेंगे और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिस्क का अलग से दिखाएंगे वेरी गुड फिर गंटीनिंग, डिस्क गंटीनिंग, दोनों को एड करके मिलेगा टोटल प्रॉफिट ये रफ में बता रहा हूं बराबर उसके बाद एक और चीज निकाल के देता अपन ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर वो क्या होता है हमको नहीं पता ट्वेंटी में पढ़ेंगे छोड़ दो यार तुम मानो ना मानो नई नई बोल के भी नहीं नहीं बोल के भी थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया ना नहीं नहीं बोल के भी थोड़ा बहुत तो याद हो गया ना ये सोचो तुम्हारी पोजीशन बैच के फर्स्ट डे पे है दस दिन बारह दिन पंद्रह दिन बीस दिन पचास दिन बीतेंगे तो तुम कहां से कहां पहुंच जाओगे नहीं नहीं बोल के भी आधे से ज़्यादा तुमने दे दिए बराबर बता तो दिया में क्या आ रहा है में क्या आ रहा है ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो बस यही मुझे तुमसे रोज चाहिए आज तो फर्स्ट डे है जैसे जैसे आप मेरे से कंफर्टेबल होगे और मजा आने लगेगा ठीक है और तुमको सब याद करा के भेजूंगा जहां जहां रेलिवेंट होगा वहां ना ना बोल के भी आधी चीजें याद करा दूंगा तुमको मैं ठीक है बस एक रिक्वेस्ट करूंगा ये जो फॉर्मेट है ना घर पे एक बार सिर्फ गोथ्रू कर लोगे सिर्फ गोथ्रू कुछ करना नहीं है इसका सिर्फ गो थ्रू कर लो ऊपर से देख लो अच्छा ये ऐसा सर ने लिखाया था आज अच्छा ये सर ने लिखाया था आज सिर्फ देख लो ऐसे ऊपर से ये अच्छा ये लिखाया था सर ने आज अच्छा प्रॉफिट लॉस में ये था अच्छा ये था अच्छा ये था बस बस बस, बस, बस अच्छा 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 ये था बस ऐसा समझा चलो तुमको समझा ये सुन के मेरे को बड़ा मजा आया और मैंने कहा था ना भाई आया सब करा के जाएगा इसलिए तो हम कहते हैं एक के है चलो तो आज का हम समाप्त करते हैं

कंसोलिडेट करके रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन में दिखाएंगे यस yes कहसान अगर दोनों कंटिन्यू है तो ठीक है उसके बाद सर लेवन नंबर में लॉस तो नेट करके लिखेंगे मुरारी नेट करके ठीक है सर अगर परचेस्ड बैच में लाइव क्लास बाई चांस छूट जाए देन बैकअप मिलेगा बैकअप मिलेगा बैकअप में वन व्यू रहेगा आपके पास देखो जो सिर्फ रिकॉर्डेड ले रहा है उसको टोटल वन पॉइंट सेवन व्यूज है जो लाइव ले रहा है उसको लाइव का एक व्यू है और बैकअप में भी आप लेक्चर देख पाओगे ठीक है अब वो बैकअप के कितने व्यूज है लाइव में मेरे ख्याल से वन ही है बट जो भी है तुम एक पूरा लेक्चर देख पाओगे मिस हुआ तो यू कैन सी द लेक्चर उसका टेंशन मत लेना बट हो सके तो लाइव कोई मिस नहीं करेगा मैं सच्ची बता रहा हूँ जो रिकॉर्डेड देख रहा है आपको भी डिसिप्लिन रखना है और जो लाइव लिया है ना तो लाइव ही आके बैठना है कभी किसी कारणवश नहीं आ पाए तो अलग बात बट नहीं आ पाए तो उसी दिन बैकलॉग कंप्लीट करना वरना अगले दिन नहीं आ पाओगे ठीक है ध्यान रखना चलो उसके अलावा स्टूडियो टूर किसी दिन दूंगा ना बैच को बहुत भाई दूंगा नहीं ना मन फिर उसको कंटिन्यू में क्लब कर देंगे ठीक है यस रक्षित उसकी बात है आपने स्टार्टिंग में कर रक्षित आपने शायद लेट ज्वाइन किया तो स्टार्टिंग का पार्ट देख लेना आप ठीक है और रक्षित पूछ रहे ए एस कितने अपने इसलिए समझ जाओगे कुणाल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको सर आई एम फ्रॉम सी एस प्रोफेशनल थ्रू डायरेक्ट एंट्री आई एम इन इंटर एंड ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड फिर भी सारे कंसेप्ट ईजिली समझ आया बहुत मजा आया कुणाल थैंक यू चलो um, आज का लेक्चर ऐप पर आएगा क्या हाँ मैं अपलोड कर दूंगा जो रिकॉर्डर देख रहे हैं उनको ऐप पे देखने मिल जाएगा उनको ठीक है अच्छा कल से अपन पता है क्या करेंगे कल से मैं यूट्यूब पे भी रहूंगा लाइव और ऐप पे भी रहूंगा तो आप कोशिश करना कि ऐप पे ही आ जाओ ताकि मालूम पड़ जाए कि आपका ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है और अगर ऐप क्रैश कर गया ऐप पे नहीं देख पाए तो फिर यूट्यूब पे आ जाना तुरंत ऐसा तो मैं दोनों जगह चला दूंगा कल ठीक है जिसको ऐप यूज करने को नहीं आ रहा है टेक्निकल टीम को कॉन्टेक्ट कर लो नंबर मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में दिया हुआ है ठीक है ध्यान रखना <coughs> सर, चेंजेज इन इन्वेंट्री ऑफ़ फिनिश गुड्स को एक एग्जाम्पल लेकर समझा दिए अरे चेंजेस इन इन्वेंट्री मतलब क्या होता है सपोज आपके पास साल के शुरुआत में सौ यूनिट ऑफ एफ पड़े थे ऐसा मान लो बराबर परचेज तो आप अलग से दिखाते हैं सपोज क्लोजिंग में आपके पास एट्टी यूनिट्स पड़े हैं चलो इसकी वैल्यू सपोज दस लाख है इसकी वैल्यू आठ लाख ऐसा मान लो तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में अपन चेंजेस में से दो लाख का दिखाएंगे हम क्या कर रहे थे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग यहाँ दिखा रहे थे दस लाख क्लोजिंग यहाँ दिखा देते हैं आठ लाख यहाँ हम नेट करके दो लाख दिखा देंगे नेट दो लाख दिखा देंगे ऐसा बस दैट्स द ओनली डिफरेंस ये आठ और दस नहीं दिखाएंगे नेट दो लाख दिखा देंगे क्लियर ओके 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 उसके अलावा देखो आकाश फॉर्मेट है अगर फॉलो करोगे तो बेटर है साथ में नहीं करोगे तो अच्छा है ठीक है सर मेरा अकाउंट्स वीक है बट आपके सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा आकाश कोई वीक नहीं आपका अकाउंट्स डोंट जज योर मैं बता रहा हूं ना आपको आता है अगर आपको आज का लक्ष्य समझ आया है तो आपको अकाउंट आता है बराबर और इसी पेज पर पे अपन जाएंगे रोज आराम से सब कुछ पढ़ेंगे ठीक है एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने के लिए गूगल ड्राइव पे लिंक मिलेगी कुछ नहीं समझे तो टेक्निकल टीम से पूछ लो कल भी इंस्टॉल ना कर पाओ कल भी मैं यूट्यूब पे रहूंगा तो यूट्यूब पे आ जाना ठीक है टेंशन मत लो जैन ट्वेंटी फाइव के लिए ट्रैक लीजिए प्लीज प्रशांत अभी तो यार आई एम वेरी ऑक्यूपाइड तो फिलहाल ये मे ट्वेंटी फाइव से फोकस कर रहे हैं ठीक है फिलहाल देर इज नो प्लान सो आई वुड रिक्वेस्ट टू नॉट टू वेट फॉर मी ओके ऐप पर भी अभी फ्री मैं लाइव देख सकता हूँ नहीं आपने अगर एनरोल नहीं किया है बैच में तो यू कॉन्ट सी ऑन दी अपन आपको यूट्यूब पर मिलेगा यूट्यूब पे पहले तीन चार दिन मैं लेक्चर लूंगा तीन दिन में लेक्चर लाइव लूंगा यूट्यूब पे ठीक है उसके बाद ऐप पे रहेगा आम। कैजान अब तक अपन ने उतना डिटेल में बात नहीं किया करेंगे अपन बात ठीक है चलो तो मेरे ख्याल से एमसी क्वेश्चन बैंक में होंगे ना एमसी क्वेश्चन बैंक में भी हो गए और अलग से भी मैं एम सी को दूंगा आपको अलग से है ना वो देता हुआ चलूंगा चैप्टर वाइज बात बात में बट जो एमसी इस मॉडल वाले वो क्वेश्चन बैंक में भी आपके तो टेंशन मत लो भी मैं क्लास में करवाऊंगा स्टडी वाले नॉर्मल वाले सब कराऊंगा क्लास में ठीक है चलो तो मेरे ख्याल से नाउ वी कैन रैप अप दिस सेशन शुक्रिया हरिवं थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन मुझे आपको सच्ची पढ़ा के बहुत मज़ा आया ठीक है सो थैंक यू सो मच और ऐसे ही मज़े से आना रोज़ पढ़ेंगे अपन मज़े से बस पेशेंस से सुनते रहना मुझे कोई भी दिक्कत है मौका दूंगा तब बिंदास क्वेरी पूछना कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है चलो आज बैच भी परचेज कर लूंगा आपका मज़ा आ गया सर यूट्यूब पे बहुत बढ़िया चलो ठीक है तो शुक्रिया हरिवन थैंक यू और बैच अगर लेना है तो प्लीज़ अगर पक्का डिसाइड कर लेना है तो जल्दी लो ताकि बुक्स जल्दी मिले बुक्स आने में पाँच छह दिन लगता है ठीक है तो लेना है तो लेके खत्म करना सोच रहे हो तो सोचो कोई दिक्कत नहीं जब फिक्स हो जाए तो ले लेना ठीक है चलो शुक्रिया थैंक यू सो मच मचन बाय